हाँ जी, तो भाइयों और बहनों, मैं तो बहुत मस्त हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। और आप लोगों का पेपर अब 8 तारीख को है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप में से ऑप्ट आउट नहीं किया होगा आप में, क्योंकि आप सब पेपर दे रहे हैं तो ऑप्ट आउट नहीं किया होगा धमाका टेस्ट सीरीज। नहीं तो कई लोगों ने तो इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि सर पेपर अभी हम देने वाले हैं नहीं, तो ऑप्ट आउट कर रहे हैं, ऑप्ट आउट कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हमारा कोई, हम जनवरी में देंगे, अभी हमारा कोई है ही नहीं देने का, विचार ही नहीं बन रहा है उनका। तो चलो, आपने पेपर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलूँगा यार कि आप लोग मतलब, मैं बोलते हैं ना वॉरियर्स, वो वाली बात है। CA फाउंडेशन लेवल पे यू आर, मैं आज से पहले जो भी बच्चों को पढ़ाया हूँ, बिलीव कीजिए उनमें से सबसे अच्छे आप लोग हो। सर क्या बात करते हैं, मैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं बोल रहा, मैं स्पिरिट लेवल पे बोल रहा हूँ। जो आप इतनी दिक्कतों में भी, बहुत दिक्कतें गई है, टू बी ऑनेस्ट इनफ एज अ टीचर मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि हमें कितना पढ़ाना थोड़ा टफ हुआ है। क्योंकि क्या है कि फेस टू फेस कोई भी चीज़ों को एक्सप्रेशन से समझाया जा सकता है, लेकिन उतने ही मतलब हमने जितनी एनर्जी लगाई उससे दुगनी एनर्जी आपने पढ़ने में लगाई। क्योंकि एक ही चीज़ को देखो, एक तो सबसे पहली बात, मैं ऑनेस्टी मैं फॉलो करता हूँ, और ऑनेस्टली कहीं ना कहीं क्या होता है कि टीचर के लेक्चर थोड़े बोरिंग भी होते हैं, चाहे जितना भी टीचर बोल ले, लेकिन वो है ना, कभी सास भी कभी बहू थी, हम भी कभी स्टूडेंट्स थे, तो कहीं ना कहीं टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, नो डाउट, नो डाउट। ऐसा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई कभी कभार टीचर कहीं ना कहीं बोर करता है, लेकिन फिर भी आपने वो उतना स्पिरिट दिखाया। वीडियो लेक्चर्स को आपने, आप में से मैक्सिमम लोगों ने या ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट्स ने वीडियो में क्लासेस देखी, चाहे हमारी लियो कहीं की भी लियो, तो आपने इतना स्पिरिट दिखाया कि नहीं यार मेरे लिए करियर इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अपने लिए क्लैप तो बनता है यार, एक बार तालियां तो बनती है अपने लिए, तो क्या आप मेरे साथ तालियां बचाएंगे? अरे यार अपने लिए बचा रहे हो, किसी और के लिए नहीं बचा रहे, अपने लिए। कई लोग यू यू करके छोड़ दिए, अपने लिए इतनी बस है, दूसरों के लिए बचाएंगे क्या हम तालियां? भाई हमें अपने लिए बचाना चाहिए यार, अपने, ये चीज़ ना बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये चीज़ ना हमें बहुत बहुत अंदर से ना, जब हम टूटना चालू हो जाते हैं यार कि इतना कोविड है या इतना प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर आप इस पॉजिटिव एंगल से देखो यार कि आज तक के जो कभी किसी ने फेस नहीं किया वो आपको फेस करने मिल रहा है। और मैं हमेशा एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए ना, और भगवान ने प्रॉब्लम दी है तुम्हें, तो भगवान जानते हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि उस प्रॉब्लम को तुम फेस कर सकते हो। भाई या फिर मैं जीतूंगा या फिर मैं सीखूंगा, यही प्रिंसिपल पे चलता हूँ मैं चाहता हूँ आप भी ये सीखें, आप भी ये सीखें, और आप सीख रहे हैं यार। कोविड में इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी आप लोगों ने पूरा अपने स्पिरिट को हाई रखा। मैं इंटेलेक्चुअल के लिए अलग है यार, तुम्हारे उसके लिए सल्यूट करना चाहता हूँ, स्पिरिट के लिए कि नहीं यार चाहे कुछ भी हो जाए, कोविड है नहीं है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अब हम क्या करेंगे, CA फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में क्लियर करना है, ये तुमने बता दिया। तो मैं चाहता हूँ यार कि बस ये स्पिरिट आप अपना मेंटेन रखिए, बहुत अच्छे से पेपर पास कर लोगे यार। और जिस हिसाब से मैंने पेपर देखे हैं ना इंटर लेवल के, इंटर लेवल का पेपर बिलीव कीजिए, CA इंटर का, अकाउंट्स का पेपर बोल लो, पूरा का पूरा बुक से आया है। जो हम, मैं बुक देता हूँ ना, और मैंने बुक कहाँ से बनाई, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैंने बुक कहाँ से बनाई, ICI के मटेरियल से, ICI के एग्जाम पेपर से, ICI के और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके वैसी बुक बनाई, पूरा उसी बुक से आया। और मैं वही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपके भी पेपर में कहीं ना कहीं ICI का मटेरियल, ICI के पास एग्जाम क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ना कहीं ना कहीं वो बेस बन जाता है। इंटर और फाइनल का पेपर कैसा आता है उस हिसाब से पता चल जाता है कि फाउंडेशन का पेपर कैसे आएगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छा पेपर आने वाला है, बहुत अच्छे से आपने तैयारी कर रखी है। और आप लोगों को जो भी डाउट्स है, मैं डाउट्स इसमें ले लूँगा, डाउट्स ले लूँगा, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ
आप लोगों ने पेपर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लगा पेपर देके? पेपर देके क्या क्या पॉइंट्स में, मैं बताता हूँ कि दो तीन पॉइंट्स जो हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे को बच्चों से सुनने मिले कि मैथ्स का पेपर टफ है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, चार पेपर में से कोई एक पेपर हमेशा ही टफ सेट होगा। तो आप ये चीज़ अपने माइंड में लेते हुए चलना कि हमने भी वही चीज़ किया था कि चार में से एक पेपर थोड़ा सा ट्रिकी डाला था, थोड़ा सा लेंदी भी डाला था, और हमने कोशिश की थी कि भाई आपको टफ्स की तैयारी कराया जाए। आपके मार्क्स, अगर मैं बता दूं, आपके मार्क्स में हमने थोड़ी भी ढिलाई नहीं दी। हमने जहाँ काटना चाहिए था हमने काटा है, हमने हो सकता है कई जगह एक्स्ट्रा भी काटा हो, मैं ये चीज़ क्लियरली बता दूं, कई जगह एक्स्ट्रा भी काटा है, लेकिन वर्स से वर्स आपको उतना मिलेगा ये मानते हुए चलना भाई। अगर आपको मार्क्स, हम बोल रहे हैं हमारी चेकिंग में हमने जो मार्क्स काटे ना उसमें 10% का इंक्रीमेंट तो इन एनी केस आपको मिलना ही है, लेकिन हमने वर्स सिनेरियो लिया है कि अगर बाई चांस आपको कोई भी लीनियन चेकिंग या कोई, हम बोल सुनते ना स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है और ये सब, वैसे तो मैं नहीं मानता कि कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, बस मैं ये मानता हूँ कि अगर वर्स चेकिंग भी हुई ना तो आपको इन एनी केस जो आपने मार्क्स आपने मिले हैं उतने तो मिलेंगे या उससे ऊपर ही मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। तो आपने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रखा है। हाँ, 5 to 10 मार्क्स का स्कोप और है इंक्रीज होने का, कि अगर आपका आप थोड़ी भी चीज़ों पे और ध्यान दे दिए तो वो और चीज़ इम्प्रूव हो जाएंगी, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी तो मेरे को लगा कि पेपर एज सच हमने कोशिश पूरी की थी, आईसीआई पैटर्न के हिसाब से रखा जाए, आईसीआई जैसा क्वेश्चन पेपर सेट करता है वैसा रखा जाए। और अब मैं आपको ना लास्ट में जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा ये आखिरी के 4-5 दिन आपको कैसे अपने बिताने चाहिए, वो सारी बातें करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ कि आप अब मेरे से पेपर के बारे में पूछ लीजिए, अगर आपको पेपर को लेके कोई डाउट है तो आप क्लियर करा लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक एक करके अगर किसी को डाउट है हैंड रेस कीजिएगा, हैंड रेस करके मैं आपको बोलूँगा, आप तब बोलेंगे, सब लोग एक साथ बोलेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो अजय भाई को डाउट है, अजय जी बताइए आपका डाउट क्या है पेपर को, क्वेश्चन नंबर 1 का सी। अच्छा, डेप्रिसिएशन को लेके थोड़ा सा दिक्कत गया ही है, तो एक बार ना मैं आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों ही चेक करा देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, और ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को गया है क्योंकि मेरे को ना सभी के आ गए थे मैसेजेस कि सर कुछ तो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा और खुद ही रेक्टिफाई कर लीजिएगा थोड़ा सा अगर आपको लगे तो, प्लीज़ आप उसे रेक्टिफाई खुद ही कर लेना, मार्क्स जो भी मिले उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, चले, बुक्स ऑफ मिस्टर ए शोज अ बैलेंस ऑफ 1000 1,15,340 मशीनरी अकाउंट ऑन 1/4/2019। अ मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1/4/2017 फॉर 80,000 वॉज सोल्ड ऑन 1/10/2019 फॉर 60,000। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, ये बात क्लियर है, चलो बहुत सही। देर वॉज अनदर मशीन परचेज ऑन 1/10/2018, अ थर्ड मशीन विच वॉज परचेज फॉर 40,000 ऑन 1/7/2019 एंड अ फोर्थ मशीन फॉर 30,000 वॉज परचेज ऑन 1/1/2020। डेप्रीशिएशन वॉज कैलकुलेटेड एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 15% ऑन WDV। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मशीन टू परचेज एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 1920। तो 1920 के लिए आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। पहले तो एक चीज़ समझिए, आपको जब भी एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाए और जहाँ पे डेट्स की बहुत सारी दिक्कत है, तो हमें क्या करना चाहिए हमेशा, हाँ जी, हमें हमेशा लाइन डायग्राम की मदद लेनी चाहिए। जहाँ इतनी सारी डेट्स हैं वहाँ हम डेट्स थोड़ी ना याद करते बैठेंगे, हमें क्या करना चाहिए लाइन डायग्राम की मदद लेनी चाहिए। अरे बाप रे बाप, देखिएगा, तो उसने मुझे जो जो दिया है, 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 की बात है, मेरे पास मशीनरी का बैलेंस कितना था, 1,15,340 यहाँ पे WDV है 1,15,340। ठीक है, अब उसने बोल रखा है अ मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1/4/2017 फॉर 80,000। 1/4/17 मतलब यहाँ कहीं पे, 1/4/2017 ओरिजिनल कॉस्ट कितने की है, 80,000।
तो आज कितने साल बीत चुके हैं? 2 साल, 17-18 और 18-19, 2 साल बीत चुके हैं। आज ये 2 साल में डेब कितना लग चुका होगा 15% के हिसाब से WDB पे? कैलकुलेटर उठाओ और बताओ। 80,000, 12,000 और 10,800। अगर मैं बात करूं आज पहले साल का डेप निकाल लिया गया आपने, ये कितना बोल रहे थे आप? 12,000। प्लीज सेलफोन साइलेंट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये पहले साल का डेप 12,000 का है, दूसरे साल का 10,200। 10,200। तो बताओ तीसरे साल यहाँ पे स्टार्टिंग में कितने का हो रखा है यहाँ पे इस दिन, बताइए जल्दी से। 57,800। 57,800, वेरी गुड। तो आज ये 57,800 वाला एसेट क्या हो चुका है? बिक गया। कब बिका? यहाँ कहीं पे 1 अक्टूबर 2019 को बिका है मेरे हिसाब से। 1 अक्टूबर 2019 को सोल्ड फॉर, सोल्ड फॉर रुपीस कितना है? 60,000। आया गया ये समझ में? तो अगर मैं मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा प्लीज, मैं मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट का आज स्टार्टिंग बैलेंस की बात करूँ, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो आज 1 लाख, ये कौन सी तारीख है? 2019, 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 2019 को मशीनरी कितने की है? ये रही उसकी WDV 1,15,340 की, 1,15,340 की, क्लियर है? इस 1,15,340 में से 57,800 वाली मशीन हमने कितने में बेच दी? 60,000 में। लेकिन बेटा 6 महीने यूज करने के बाद बेच रहे हैं, तो 6 महीने का और क्या लगा होगा? डेप्रिसिएशन, यस और नो? तो आज मेरे को बताइए, जब मैंने 2019 की बात की 1 अक्टूबर, तो आज पहले तो डेप लगा होगा, कितने का डेप लगा होगा? आज वैल्यू कितनी बची? वैल्यू बची 57,800 का, 57,800 का 15% 6 महीनों के लिए, बोलो भाई बोलो। 4,335। तो इतने का डेप लग गया, तो आज मेरे को बताओ मशीन और कितने से कम हो गई? 4,335 से। तो यहाँ पे मशीन की वैल्यू कितनी बची? अगर मैं पूछूँ यहाँ पे मशीन की वैल्यू, बुक वैल्यू 53,465, 53,465 वाली चीज हमने कितने में बेची? 60,000 में। तो आज प्रॉफिट हो गया, आज बेचा तो एंट्री क्या होगी? बाय बैंक। अच्छा ये समझ में तो आ रहा है ना सभी को? बाय बैंक 60,000, और आज ये कहाँ चले जाएगा? टू PNL या टू प्रॉफिट ऑन सेल, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना हो गया? प्रॉफिट कितना हो गया? 6,535। क्या इसमें किसी को डाउट? अच्छा प्रेजेंटेशन भी समझाऊं मैं कि ये कैसे आया, इसकी वर्किंग, हाँ इसकी वर्किंग मुझे समझानी है कि आ गई आपको समझ में? जल्दी बोलिए, आ गई? तो वर्किंग समझाने का एज सच जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो फिर इसके बाद बताइए क्या हुआ। उसने बोला देयर वॉज अनदर मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। एक और मशीन हमने परचेज की है, कौन सी तारीख को? 1 अक्टूबर 2018 को। अब ये जो सेकेंड मशीन खरीदी है ये पता नहीं कितने में खरीदी है, ये हमें पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। उसने बोला देयर वॉज अ थर्ड मशीन वॉज परचेज फॉर 40,000 ऑन 1/7/2019। भाई साहब
एक साथ 19 को हमने थर्ड मशीन खरीदी है, बताइए क्या होगा आज? 1/7/19 को अगर, 1/7/19 मतलब इसी साल, 1/7/2019 थर्ड मशीन परचेज की, बोलो एंट्री, बोलो थर्ड मशीन परचेज करने की, 1/7/2019 मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट कितने का है? 40,000, 40,000 आया। अब उसने आगे क्या बोला है, अ फोर्थ मशीन वॉज परचेस ऑन 1/1/2020, 30,000 की मशीन खरीदी, फोर्थ मशीन हमने खरीदी 2020 1 जनवरी, टू बैंक कितने का? 30,000, 30,000 हाँ जी। अब बताइए टोटल अगर मैं पूछूं, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, 15% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, आपको निकालना है वैल्यू, तो डेप कितना लगेगा पहले तो ये बताइए, 2020 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। अब आप मेरे साथ आराम से सोचेंगे, प्लीज आप आराम से सोचेंगे, उसने उसने बोला थर्ड मशीन जो है, थर्ड मशीन खरीदी है 1/7/2019 को, तो थर्ड मशीन कोई बता सकता है, थर्ड मशीन का मतलब क्या हुआ? ये तीसरी मशीन है हमारी, और वो बोल रहा है फोर्थ मशीन यहाँ पे खरीदी है, इसका मतलब पहली और दूसरी मशीन हमारे पास ऑलरेडी स्टार्टिंग में है, फर्स्ट और सेकेंड मशीन, क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो फर्स्ट और सेकेंड मशीन देखिए हमारे पास, एक मशीन हमने खरीदी थी 1 अप्रैल 2017 को, ये हमारी मशीन वन है, 1 अप्रैल 2017 को जो हमने खरीदी वो हमारे लिए मशीन वन हो गई, जो 1 अक्टूबर 2018 को खरीदी ये हमारे लिए क्या हो गई, मशीन टू, और फिर हमने जो इस साल दो मशीन्स खरीदी वो 3 और 4 हो गई। अब मशीन टू का उसने पहले तो ओरिजिनल कॉस्ट मांगा है, ठीक है वो निकाल देंगे, और आज मेरे को बताओ, आज मेरे पास, आज जो मैंने मशीन बेची, यहाँ पे मशीन बेची है ना, ये मशीन सोल्ड फॉर 60,000, ये कौन सी मशीन बिकी है? क्या मशीन थर्ड बिकी है, फोर्थ बिकी है, सेकेंड बिकी है कि फर्स्ट बिकी है? जल्दी बोलो, देखो ना, अ मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर 80,000 वॉज सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019, मतलब जो ये 1 अप्रैल 2017 को खरीदी थी वो बिकी है, मतलब मशीन वन हमारे पास अब नहीं रही। तो हमारे पास कौन कौन सी मशीन बची? मशीन टू बची, मशीन थ्री बची, और हमारे पास मशीन फोर बची है, क्या बात समझा? और इन्हीं सब मशीन्स पे क्या लगने वाला है? डेप्रिसिएशन। मशीन टू पे डेप पूरे 12 महीनों का लगेगा क्योंकि वो यहां से है, मशीन थ्री पे डेप क्योंकि वो 1/7/2019 को खरीदी हुई है तो उस पे डेप जो लगेगा वो 9 महीनों का लगेगा, और मशीन फोर खरीदा है हमने 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को, तो मशीन फोर पे डेप जो लगेगा वो कितने महीनों का लगेगा? 3 महीनों का। पहले ये बताओ, ये किसको नहीं समझ में आया, जल्दी बताइए, किसी को ऐसा है जो डायग्राम नहीं समझ में आया है? जल्दी बोले, ऐसा कोई है कि सबको आ गया? आ गया ना सभी को? तो अब बस डेप निकाल दीजिए ना भाई, डेप निकाल दीजिए। आज मुझे बताइए मशीन टू की WDV कितने की थी? मशीन टू की अगर मैं WDV पूछूं आपसे, तो मशीन टू की मशीन वन और टू मिला के 1,15,340 का था, मशीन वन और टू मिला के 1,15,340 का था, इसमें से मैं क्या कर दूँ, मशीन वन का अलग कर दूँ, तो मशीन वन की याद है वैल्यू कितनी रहे? 57,800। देखा ना, 80,000 का खरीदा था, हर साल क्या लगा, पिछले 2 साल में डेप लगा, तो आज 57,800 हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो बताओ मशीन टू की बुक वैल्यू कितनी बची?
57,540, इस 57,540 का 15% साल भर के लिए, बताइए कितना आ गया। हाँ जी, 8631। मशीन थ्री की बात कीजिए मेरे से, मशीन थ्री कितने का है? मशीन थ्री है 40,000 का, ये 1 जुलाई को खरीदा है, तो 40,000 का 15% 9 मंथ्स के लिए 4,500। और मशीन फोर की अगर मैं बात करूं तो मशीन फोर बोलो कितने का है दोस्त? मशीन फोर है 30,000 का, 30,000 का 15% 3 महीनों के लिए 11,125। टोटल डेप कितना हो गया? वन फोर टू फाइव सिक्स, तो ये 14256, दिस इज अवर टोटल डेप्रिसिएशन 14256, तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिएगा। क्या बात समझा कि नहीं समझा? बहुत हार्ड कि चिल्लल था। अच्छा, किन किन ने डायग्राम नहीं बनाया था क्वेश्चन करते टाइम? एग्जाम पेपर में किन किन ने डायग्राम नहीं बनाया था? वो नलायक नहीं, महानलायक है। और अगर मेरे रेगुलर स्टूडेंट है तो वो तो भाई नलायकों का तुम सरदार सरताज बनाना चाहिए तुम्हें। मैं कई बार बोल चुका हूं कि अगर आपको, देखो टफ नहीं है कोई भी क्वेश्चन, टफ नहीं है अगर आप उसका समझ गए कि पैटर्न कैसे है सॉल्व करने का। जहां इतनी सारी डेट्स हो प्लीज लाइन डायग्राम बनाओ, जहां इतनी सारी डेट्स हो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने लाइन डायग्राम बनाया नहीं और फिर आपको लग रहा है यार कंफ्यूजन लग रहा है, कैसे करें कैसे करें, तो कंफ्यूजन तो लगेगा ना दोस्त, क्योंकि आपने लाइन डायग्राम की मदद ही नहीं ली। आपको जिसकी मदद लेनी चाहिए तुमने मदद नहीं ली। अब उसने कॉस्ट मशीन टू की ओरिजिनल कॉस्ट मांगी है, तो बताइए मशीन टू हमने कब खरीदा था? 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2018 को, इसका मतलब जस्ट 6 मंथ्स पहले। तो ये जो है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो वैल्यू आई है 57,540 की, ये 57,540 में 6 महीनों का डेप लग चुका है। तुम समझे बात को कि नहीं समझे बात को? तुम समझे बात को? आज अगर मैं ओरिजिनल कॉस्ट, मशीन मैं बोल रहा हूँ, लेट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन मशीनरी टू बी एक्स, ठीक है? तो आज आज मशीन टू की ओरिजिनल कॉस्ट मैंने क्या बोल दी? एक्स बोल दी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मशीन टू हमने 1 अक्टूबर 2018 को खरीदी है 6 महीने पहले, तो आप क्या करोगे? सिंपल है सर, आप ओरिजिनल कॉस्ट लोगे, उसमें से डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने का डेप लेस कर दोगे, तो क्या आ जाना है? WDV। अब मेरे को बताओ ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? एक्स, 6 महीनों का डिप्रिशिएशन, एक्स का 15% 6 महीनों के लिए इज इक्वल टू WDV। आपने अभी अभी बताया कि सेकेंड उसकी मशीन की WDV कितनी थी? 57,540। तो मैं क्या कर दूंगा, 57,540 ले लूंगा। अब आप इसे सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू रुपीस। सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? 62,000। चलो बता, उसमें अलग है।
तो ये आपका आपका ये कितना आ रहा है? 57,540 कैसे आ रहा है? वो 8,160 दिया, वो 10,200 घटा अच्छा, एप्रिसिएशन का। ये इसके कारण चेंज हो गया है। ओके, हाँ तो ठीक है। तो दोस्तों, जिसने भी वो फिर गलत हो गया है मॉडल, वो प्रिंटिंग एरर हो गई है या क्या हो गया, वो फिर गलत है। आप इसे ठीक कर लीजिएगा, प्रिंटिंग एरर ही है ये, आप इसे ठीक कर लीजिएगा प्लीज़। यहाँ पे मॉडल अगर आपने सोल्यूशन निकाल रखा है तो ये कितना है? 10,200, ठीक कर लीजिएगा। उस हिसाब से आपके मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो आप अपने रिस्पेक्टिव मार्क्स इंक्रीज करके मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपके रिवाइज मार्क्स इशू कर दूँगा। ठीक है, चलो चलिए, जल्दी से बताइए और बताइए और कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट किया है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। मेरे को नहीं लगता, बाकी मैक्सिमम लोगों का तो वही आया था, बाकी तो कोई क्वेश्चन में एज सच डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए। वो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में क्या डाउट किया बेटा? वो गुडविल का ट्रीटमेंट एक बार बता दीजिए। गुडविल का ट्रीटमेंट, चलिए आइए गुडविल का ट्रीटमेंट देख लीजिए। आर इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, पार्टनर देयरफॉर डिसाइडेड टू रेज गुडविल इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। दे फर्दर डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ आर्स कैपिटल इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। तो इसमें क्या दिक्कत क्या गई? अरे, गुडविल रेस करने की एंट्री सबसे पहले लिखवाई है, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, बस यही गलत है। क्लियर है क्या? और बोलिए। हाँ, बेटा राइट ऑफ नहीं करना ना, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है रेस करने की बात क्वेश्चन बोल रहा है, तो जब क्वेश्चन बोल रहा है रेस करने के लिए, तो हम रेस सिर्फ करेंगे, राइट ऑफ की नहीं करेंगे। ये देखिए, गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री तो कर ही दी होगी आपने, ये देखो गुडविल रेस करने की एंट्री। आप मुझे बताओ, गुडविल पहले ये बताओ 90,000 निकल आया क्या? गुडविल 90,000 निकल आया ना, तो बस अब आपको क्या करना है? उसने बोल रखा है गुडविल को रेस कीजिए, क्वेश्चन यही बोल रहा है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आर इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, पार्टनर डिसाइडेड टू रेस गुडविल इन दी बुक्स ऑफ दी फर्म। फर्म की बुक्स में गुडविल को क्या कर रहे हैं? रेस कर रहे हैं। दे फर्दर डिसाइडेड आर के कैपिटल को बेसिस बनाते हुए चलेंगे गुडविल निकालने के लिए। तो बस आज फर्म की गुडविल आ गई, तो आपको गुडविल को रेस करना है, करो ना रेस। रेस कैसे करोगे? गुडविल अकाउंट को डेबिट करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू। अब देखो, दो तरीके, अगर आप मैं बोलूं तो मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन कराया है। क्या? एक है गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, क्योंकि पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल, तो आर के आने से पहले पार्टनरों ने क्या बांट ली? गुडविल बांट ली। ये वो तरीका है कि 54,000 और 36,000 यहाँ पे बांट दिया, 54,000 36,000, टोटल कितना हो गया? 90,000। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? ये एक तरीका हो गया। या फिर ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, गुडविल एडजस्टमेंट वाला टेबल बनाएंगे, गुडविल एडजस्टमेंट वाला टेबल बनाएंगे प्लस गुडविल को रेस करेंगे सभी पार्टनर्स में,
गुडविल को रेस करेंगे सभी पार्टनर्स में। ये चीज समझ में आया कि नहीं सर? ये नहीं आया। आप देखो गुडविल का एडजस्टमेंट टेबल बनाओ, आज याद है टेबल बनाने का कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है, पी क्यू आर। आज क्रेडिट होगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन बताओ, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं? पी क्यू आर है, पी और क्यू है, रेशियो क्या है इनका? रेशियो है 3:2, तो 90,000 को 3:2 में बांटिए, जल्दी बांटिए। 54,000, 36,000, और फिर डेबिट कर दीजिए किस रेशियो में, 3:2:1 करिए, 3:1 में डेबिट कीजिए। 45,000, फिर 30,000, 15,000। तो आज पी को मिलना था 45, मिला 54, मिलना था मिला 45, 9,000 कम मिला। तो 9,000 से क्रेडिट, 6,000 से क्रेडिट, और 15,000 से क्या हो जाना है, डेबिट। तो आज एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, आज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 15,000 टू टू व्हाट, टू पीस कैपिटल 9,000, टू क्यूज कैपिटल कितना, 6,000। तो आपने क्या कर दिया, गुडविल एडजस्टमेंट कर दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है गुडविल को रेस भी करना है, याद है गुडविल को रेस करने की एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर्स कौन है, पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आस कैपिटल। तुम अगर पार्टनरशिप का खोल के बैठे हो, क्या पार्टनरशिप मैंने पढ़ाया था, तुम उसका अगर उसका मैंने लिखवाई है बातें, अगर आप खोल के बैठे हैं तो आपको पता चलेगा, अगर बुक्स में गुडविल ऑलरेडी दी रहती है बैलेंस शीट में, आप उसे सबसे पहले राइट ऑफ करते हो। कुछ याद आ रहा है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। फिर क्या करते हो आप, गुडविल को, गुडविल का एडजस्टमेंट करते हो, याद आ रहा है? और अगर क्वेश्चन बोलेगा कि गुडविल को क्या करना है, एडजस्ट करना है, रेस करना है बुक्स में, तो आप गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में बांट देते हो। तो वही चीज की, गुडविल अकाउंट डेबिट किया 90,000, और न्यू पार्टनर न्यू रेशियो में बांट दीजिए, 45, 30, 15। अब आप जरा चेक कीजिए क्या हो रहा है, अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। आर डेबिट हुआ था 15 से, आर क्रेडिट हुआ 15 से, खत्म, नलीफाई हो गया इफेक्ट। पी डेबिट क्रेडिट हुआ 9 से और 45 से, तो ये कितना हो गया, 54। क्यू क्रेडिट हुआ 6 से, क्यू क्रेडिट हुआ 30 से, तो 6 और ये कितना हो गया, अल्टीमेटली ये आंसर आ गया। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि ये तरीका मैंने आपको नहीं समझाया, मैंने आपको थोड़ा लेंदी बताया, क्यों? क्योंकि ये तरीका आपको 100% हर फॉर्मूले हर उसमें लगेगा, हर क्वेश्चन में। भाई क्वेश्चन में आपको तीन बातें ध्यान रखनी है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन में आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि अगर बुक्स में गुडविल दी है, तो बुक्स में गुडविल दी है इसका मतलब है बैलेंस शीट के अंदर। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन की बैलेंस शीट के अंदर गुडविल लिखा और मिले, यहाँ पे गुडविल लिखा मिले, तो आप इस गुडविल को पहले ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। तो अगर जैसे आपके ओल्ड पार्टनर्स दो हैं, तो दो पार्टनर्स में बांट के बुक से अलग करेंगे। तो गुडविल एसेट साइड लिखा है, तो इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो खत्म करने के लिए आप क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। ये सारी बातें मैं समझा चुका हूँ, अब आप मेरे से ये समझाने मत बोल देना प्लीज। रिविजनरी वीडियोज भी देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिविजन में भी बहुत डिटेल में समझाया है, क्लियर है? तो आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल करना, फिर क्या करोगे नेक्स्ट, गुडविल का एडजस्टमेंट करना। और क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है गुडविल को बुक्स में क्या करना है, रेस करना है, तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आया कि नहीं आया, क्लियर है? चले, और कोई डाउट? सर टेस्ट करते इतना क्वेश्चंस तो आसान थे, एक्चुअली
टाइम में वो तो मतलब मैनेज नहीं हुआ टाइम ढंग से, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है ढंग से, तो हम और क्या सेकंड करें। थिंग, हाँ, और और सेकंड थिंग ना मतलब करते करते जब बाद में पेपर कर रहे थे तब तो हम सारा कुछ सही सॉल्व हुआ, बट जब टेस्ट दे रहे थे ना तो मतलब रेशियोज डर वगैरह में और गए। छोटे छोटे मिस्टेक्स में कंफ्यूज हो हाँ, रहे थे। डर गए डर गए। वो देखो, एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखो अगर मैं ऑनेस्ट जवाब दूँ ना इसका, तो वो ये है, मेरे साथ भी ऐसा होता ना, आप अकेले नहीं हो, मेरे को इतना अच्छा अकाउंट बनता है तो भी मेरे साथ, आपने जो दो प्रॉब्लम बोली उसमें से एक प्रॉब्लम होती थी। पहला प्रॉब्लम मेरे साथ, पहला प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम हमेशा हुआ। पहला प्रॉब्लम ये है कि भाई स्पीड, स्पीड को लेके हमेशा मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ। स्पीड, आपका पेपर लेंदी आएगा ये फॉर श्योर है, उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं हमेशा एफिशिएंसी पे वर्क करता हूँ, मुझे पता है कि मेरी स्पीड अच्छी नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, 20 मार्क्स का ऑन एन एवरेज हर पेपर छोड़ के आता था, इंस्टीट्यूट को दान में दे के आता था 20 मार्क्स। बिलीव कीजिए आपको, मैं मेरा मेरा जो बहुत अच्छा पेपर कभी गया था, तो वो सीए फाइनल में एसएफएम गया था, जो मैंने 97 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, लेकिन बाकी सारे पेपर, चाहे वो सीए इंटर हो चाहे वो सीए फाइनल हो, इन दोनों लेवल्स पे कभी भी कोई भी पेपर मेरा 80 का भी अटेम्प्ट नहीं हुआ, कभी 78 का, कभी 79 का, कभी 75 का, बस इतना ही अटेम्प्ट होता था। तो सर आपको नहीं लगता 20 मार्क्स आप छोड़ के आ रहे हो? भाई मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, स्पीड मेरी स्पीड नहीं आती है, मेरे मैं बहुत प्रैक्टिस भी कर लूँ तो भी स्पीड नहीं आती। तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरी चीज में वर्क किया, मैंने एफिशिएंसी पे वर्क किया, और एफिशिएंसी ऐसे लाया कि अगर मैं 75 मार्क्स का पेपर किया हूँ ना, तो मुझे 68 मार्क्स मिले, 75 मार्क्स के पेपर में 68 मार्क्स। हमें एफिशिएंसी पे काम करना। मैं हमेशा स्टूडेंट से बोलता हूँ, एक कि अगर आपकी हैंडराइटिंग तेज है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मतलब आपको फिर ज़्यादा नहीं, आपको अपने सिली मिस्टेक्स पे बस ध्यान देना है, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग स्पीड तेज नहीं है, फास्ट नहीं है, तो आप मत सोचो कि मुझे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, आप सोचो 90 मार्क्स का ही पेपर है मेरे लिए, लेकिन 90 में से 80 लाना है, या 80 मार्क्स का पेपर है तो 70 लाना है, ये चीज़ हमें सोचनी है। तो आप उसको भूलते हुए चलो कि यार स्पीड का क्या किया जाए, स्पीड का कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, प्रैक्टिस करने से स्पीड नो डाउट तेज होती है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं लगता मुझे, क्योंकि जितना भी आप प्रैक्टिस कर लो, आप जब तक यहाँ 2-3 महीने लगातार बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे हो तो आएगी। और हम इतने आज की डेट में, टू बी ऑनेस्ट इनफ, आज की डेट में हम इतने पक्के नहीं रहते अपने डिसीजन के लिए कि हर दिन 2-2 घंटा लिखें, कोई भी चीज़ सामने रखें और 2 घंटा से स्पीड प्रैक्टिस करें, हम बोलेंगे 2 घंटे इससे अच्छा पढ़ ले, वो ज़्यादा अच्छा है, ये चीज़ क्लियर। तो स्पीड का कुछ नहीं किया जा सकता, जो किया जा सकता है वो है एक्यूरेसी, कि आप जो भी करें कंसेप्चुअली उसे स्टडी करें। और दूसरा प्रॉब्लम जो आप बोल रहे हैं ना कि सर पेपर घर आने के बाद बहुत अच्छे से बन जाता है, या उन 3 घंटे में नहीं बनता, उसके बाद जैसे ही रूम के बाहर निकलते हैं बन जाता है, तो ये प्रॉब्लम फेस होती है जब आप प्रैक्टिस कम होती है, पेपर्स की प्रैक्टिस कम होती है। अभी आपके पास 7 दिन का समय है, 7 दिन का समय प्रैक्टिस कर लो और पेपर्स की प्रैक्टिस कर लो, ये चीज़ है। जितना पेपर का प्रैक्टिस करोगे वो डर बाहर हो जाएगा, मेन वो डर है एक्चुअल में ना, आप डर के पेपर दे रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर आपने एफिशिएंसी पे मेहनत कर लिया ना, तो आपका डर भी चला जाएगा और आपको इतना प्रॉब्लम भी नहीं जाएगा, फिर आपको लगेगा यार चलो 80 का अच्छा करना है या 90 का अच्छा करना है, ये चीज़ है। तो वो चीज़ देखो, वो हमें भी होता है पेपर, लेकिन हम आप जितना कूल माइंड रखेंगे ना, हम बोलते हैं ना कि धोनी को कैप्टन कूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि रीज़न उसका ये है कि चाहे जितनी भी प्रेशर सर्कमस्टांसेस है, वो अपने माइंड को नॉर्मल रखता है, वो प्रेशर में नहीं आता। तो वही चीज मैं आपको बोलूँगा कि आपके केस में भी आपको क्या करना है, आपको कुछ चीजें मैं बताऊंगा जिससे आप अपने आप को डर से बाहर रख सकते हैं, ये चीज है। अगर आप डरेंगे ना, तो आपका पेपर खराब होना ही होना है, फिर तो कोई नहीं बचा सकता, ये चीज है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, उसके पहले आपको इसमें कोई चीज का डाउट है तो फिर वो मेरा लिंक है एक्चुअल में समझाने का। हाँ अजय, पूछे डाउट पूछे।
बैकवर्ड कैलकुलेशन, नालायक बता रखा है। एक फॉरवर्ड कैलकुलेशन होता है, एक बैकवर्ड कैलकुलेशन होता है, और बैकवर्ड कैलकुलेशन को बोलते हैं। आप फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना तो मैं देख लूँगा। हाँ, अगर बैलेंस दिया रहता है तो एक दिन को ऐड करते हुए चलते हैं। नहीं करेंगे। फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फिर एक काम करते ना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड, और ये जो है ना बच्चों को बहुत डाउट आता है, मेरे को आज दे दीजिए समय, मैं अलग से वीडियो ही बना के डाल देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे समझाना, अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक बार इसके डाउट्स ख़त्म कर दूँ, जिन बच्चों को उसमें डाउट है ही नहीं बैकवर्ड और फॉरवर्ड मेथड में, उनका भी टाइम ख़राब होगा। तो वो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट मैं अलग से ले लेता हूँ, पहले इसमें पूछ लो और कोई डाउट है। नहीं है तो मेरे को आपको तरीका बताना है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है आपसे, और फिर बाद में मैं वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड ले लूँगा, जिनको जाना रहे वो जा सकते हैं। फिर ये चीज़ें कंसाइनमेंट अकाउंट में, इस क्वेश्चन में कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या दिक्कत गई बेटा बताना। इस क्वेश्चन में सेल्स कैसे कैलकुलेट हुआ वो डाउट है। इसी क्वेश्चन में डाउट है। चलो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, जल्दी से देख लो। ए ऑफ अहमदाबाद कंसाइन 1000 यूनिट्स ऑफ बेडशीट टू बी ऑफ बैंगलोर, ईच कॉस्टिंग 1000, एडिंग अ लोड ऑफ 16.667% ऑन इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ? इनवॉइस प्राइस आपको पता ही है, एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हम खरीद के लाते हैं, हम जब भेजते हैं तो हम भेजते हैं प्रॉफिट जोड़ के, उसे इनवॉइस बोलते हैं, और जब कंसाइनी माल को बेचता है तो वो बेचता है सेलिंग प्राइस पे। क्लियर हुआ क्या? अब उसे आगे क्या बोल रखा है, ए पे 20,000 फॉर कैरेज, 10,000 फॉर इंश्योरेंस, 15,000 फॉर फ्रेट फॉर ट्रांसपोर्टिंग दी गुड्स, बेडशीट ऑफ द इनवॉइस वैल्यू 60,000 वर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांसिट फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 40,000, बी टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग गुड्स एंड पेड 5,700 एज क्लियरिंग चार्जेस, 10,000 फॉर स्टोरेज एंड 6,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंस, बी सोल्ड 20% ऑफ द गुड्स रिसीव एडिंग 10% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस फॉर कैश, सोल्ड 50% गुड्स रिसीव एज टू गेट 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस एंड कीप्स 10% ऑफ गुड्स विद हिमसेल्फ। अब यहाँ पे ये वाली चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि उसने सेल को लेके यहीं भी बातें की। बी वॉज टू बी गिवेन 10%, ये तो कमीशन दिया गया है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये कैसे निकलेगा। तो मैं आपको यहाँ से सल्यूशन से ही समझा देता हूँ, क्या है, थोड़ी सी मेहनत मेरी भी बच जानी है। देखते हैं सल्यूशन में, अच्छा लो सल्यूशन में ही नहीं दिया है। हाँ दिया है, दिया है, थोड़ी बहुत बातें दी हुई है। अब यहाँ पे चला ध्यान से देखो, पहले तो एक चीज़ बताओ, 1,000 यूनिट्स, 1,000 है, बताइए कितना हो गया? इनवॉइस और इनवॉइस प्राइस, अगर मैं बात करूं आज गुड्स सेंट जो किए हैं, गुड्स सेंट 1,000 बेडशीट्स भेजी हैं, अब ये 1,000 बेडशीट्स जो है 16.667% ऑन इनवॉइस प्राइस है। मेरे को बताओ इनवॉइस प्राइस पे 16.667% है, तो भाई मेरे को बताओ कॉस्ट प्राइस पे कितना, क्योंकि मेरे पास कॉस्ट प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस कितनी है? पहले तो कॉस्ट प्राइस बताओ ना कितनी है। कॉस्ट प्राइस है 1,000 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1,000 की?
1000 पर यूनिट क्या हो गई कॉस्ट प्राइस। तो अगर मैं इनवॉइस प्राइस निकालूं, इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट, इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट कितना आएगा, तो उसने बोल रखा है भाई प्रॉफिट जो हम कमाते हैं ना वो 16.6667% ऑन इनवॉइस प्राइस। पहले तो कई लोगों को ये नहीं समझ में आया हो, कई लोगों ने सीधा इस पे 16.667% ऐड कर दिया होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है। क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला, उसने बोला है प्रॉफिट जो कमाते हैं हम 16.667% इनवॉइस प्राइस पे कमाते हैं, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। भाई ये कॉस्ट प्राइस दिया 1000 रुपये, तो यहाँ पे सीधा ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है? अब 16.667 को अगर मैं बोलूँ ना तो इसका मतलब होता है 1/6। 16.667 का मतलब है 1/6 ऑन इनवॉइस प्राइस। सर हमें हमें कैसे पता? कैलकुलेटर उठाओ, 1/6% दबा दो, 1/6% दबा दो, तो देखो 16.66667 आ रहा है। मतलब वो क्या हो गया, प्रॉफिट हमारा 1/6 ऑन इनवॉइस प्राइस है। तो अगर इनवॉइस प्राइस का 1/6 है तो कॉस्ट का कितना होगा, 1/5। ये रिलेशन मैं पहले भी समझा रखा हूँ आपको। अगर इनवॉइस प्राइस 6 रुपए का है तो प्रॉफिट 1 रुपए का है, तो कॉस्ट कितने का है, 5 रुपए का। तो 1/5 ऑन कॉस्ट है। तो अगर मैं इनवॉइस प्राइस निकालूं तो 1000 रुपए का क्या है, कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट है 1000 रुपये प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट पर यूनिट कितना है, या लोडिंग पर यूनिट बोल लो, 1000 × 1/5। तो 1000 × 1/5 इज 200। तो अगर मैं बोलूँ इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस कितने का हो गया है, इनवॉइस प्राइस हो गया 1200 का। क्या ये बात सभी को समझ में आई, यस नो? चलो, तो ये 1200 का क्या हो गया, इनवॉइस प्राइस हो गया। अब अगर मैं आगे, उसने क्या बोल रखा है, उसने बोला है बी, अच्छा यहाँ पे उसे कितने डिस्ट्रॉय हुए, उसने बोला बेडशीट ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ 60,000 वर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। तो आज मेरे को बताओ जो गुड्स इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट, गुड्स सेंट, इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट वो कितने के थे, आज 1200 × 1000 बेड्स, ये 1200, 1000 बेड्स या ये 1000 यूनिट्स बोल लो, और 1200 रुपये पर यूनिट बोल लो, तो ये कितने के हो गए, 12 लाख। 12 लाख ही हुआ ना, हाँ। आज 12 लाख में से लेस आज क्या हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या गुड्स डिस्ट्रॉयड आज कितने के गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए, 60,000 के। तो आज मुझे बताओ गुड्स रिसीव कितने हुए, गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी, कंसाइनी के द्वारा, इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी 11,40,000। क्या ये बात सभी को समझ में आई, यस नो? हाँ, तो 60,000 की इनवॉइस वैल्यू के गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। अब उसने आगे क्या बोला, बी सोल्ड 20% ऑफ द गुड्स रिसीव एटिंग 10% ऑन इनवॉइस प्राइस। आज इसमें से 20% सोल्ड फॉर कैश, कैश में बेच दिए। तो आज इनवॉइस वैल्यू बताइए कितने का है, इनवॉइस वैल्यू 11,40,000 का 20%, बोलिए सर, 11,40,000 का 20% कितना होता है, 2,28,000। और ये इनवॉइस प्राइस है, लेकिन हमने 20% ऑफ द गुड्स रिसीव एडिंग 10% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। तो आज इसमें प्रॉफिट हमने जोड़ा है,
कितना परसेंट प्रॉफिट जुड़ा है? प्लस प्रॉफिट 10%। तो आज 10% ऑफ इनवॉइस प्राइस 2,28,000 का 10%, 22,800। तो बताइए टोटल कितना हो गया? 2,50,800। तो इतना जो बिका है वो फॉर कैश बिका है, आया कि नहीं आया? सल्यूशन में उसने वो भी ऐड किया ना, मैं बता दे रहा। नेक्स्ट देखिए, उसने बोला है सोल्ड 50% ऑफ द गुड्स रिसीव एज टू गेट 20% ऑन सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। अब बताओ 50% हमने क्या किया है, बोलो 50% सोल्ड फॉर क्रेडिट में बेचा है, आज उसने बोला है कैश में इतना बेचा है, कैश में इतना बेचा है, तो जो 50% बचा है वो क्रेडिट में ही बेचा होगा। तो 50% कितना होता है? इनवॉइस वैल्यू 11,40,000, 11,40,000 का 50%, बोलो 5,70,000। इसमें हम क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट ऐड करेंगे। बताइए प्रॉफिट कितने का है? उसने बोल रखा है प्रॉफिट हम कमाएंगे 20% सेलिंग प्राइस पे। बेटा 20% ऑन सेल्स बोल रहा है, तो 1/5 ऑन सेल्स और 1/4 ऑन इनवॉइस प्राइस। आया ये बात समझ में? ये पॉइंट आता है समझ में कि नहीं आता है? क्लियर है भाई? कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड किया तो इनवॉइस, और इनवॉइस पे प्रॉफिट ऐड किया तो सेलिंग प्राइस होता है ना। तो इनवॉइस और सेलिंग प्राइस, तो 1/5 सेल्स पे कमाना है तो 1/4 इनवॉइस पे कमाना है। तो 5,40,000 का 1/4, 5,40 70,000 का 1/4 कितना? 142,500। टोटल कितना हो गया ये? सेवन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड। उसने बोला है कैप 10% ऑफ द गुड्स विथ हिमसेल्फ, 10% गुड्स अपने पास रखे हैं। तो 10% गुड्स बताइए कितना हो गया आज? 11,40,000 का 10%, तो आज विथ सेल्फ 11,40,000 का 10%, बोलो कितना हो गया? 1,14,000। विथ सेल्फ वाला आ रहा है 1,14,000। फिर क्या आया? फिर 7,12,500, ये भी सही आ रहा है। क्रेडिट वाला 7,12,500, कैश वाला 150,800। तो ये 150,800 है, लेकिन टोटल करोगे तो इतने ही तो आएगा। टोटल करो, टोटल करने पे इतना ही आएगा, वो तो प्रिंटिंग एरर है। बोलो क्या बात समझा कि नहीं समझा? किसी को डाउट है तो पूछ लो प्लीज। चलो हाँ जी, और बताएं। हाँ जी, कौन सा कैपिटल रिजर्व? सर कंपनी अकाउंट का कैपिटल रिजर्व का स्टेटमेंट बना दीजिए एक बार। कहाँ पे मतलब? अभी प्लीज टू बी स्पेसिफिक, इसमें पूछ लो डाउट। अब अगर कैपिटल रिजर्व का ट्रीटमेंट मेरे से पूछेंगे, इस पेपर में कोई डाउट है क्या? क्योंकि अगर
हाँ कहाँ कहाँ बताइए, कौन सा क्वेश्चन नंबर? सिक्स का ए, सिक्स का ए, अच्छा हाँ, तो सिक्स का ए चेक कर लीजिए प्लीज, सिक्स का ए। मेरे को लगा नहीं था आप लोगों को इतना डाउट जाएगा। चलो कोई नहीं, सिक्स का ए आइए। सिक्स के ए में आपको डाउट क्या है, किस पॉइंट पे? ये वाली एंट्री पे अमाउंट में डाउट क्या है? ठीक है, अमाउंट एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। बी लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ ईच, 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपये प्रीमियम का, 4 रुपये ऑन फर्स्ट ऑन कॉल। ऑल दीज शेयर्स वर सब्सक्राइब, भाई सारे के सारे शेयर्स सब्सक्राइब हो गए। मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वर फुली रिसीव एक्सेप्ट एक्स होल्डिंग 1,000 शेयर्स हु फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। भाई एक्स भाई साहब ने क्या नहीं पे किया अलॉटमेंट और कॉल मनी? इसका मतलब एक्स ने सिर्फ 3 रुपये पे किए, येस और नो? एक्स ने सिर्फ 3 रुपये पे किया भाई, 1,000 शेयर्स, 1,000 शेयर्स पे 3 रुपये आ रखे हैं, मतलब टोटल कितना आ रखा है? 3,000 रुपये, येस नो? यस सर। तो एक्स से मुझे कितना आ रखा है? 3,000 रुपये आ रखे हैं। जबकि वाई की अगर बात करें तो वाई होल्डिंग 2,000 शेयर्स फेल टू पे कॉल मनी, तो वाई के पास 2,000 शेयर्स हैं, वाई से मेरे को कितना आ रखा है? तो वाई से मुझे 3 रुपये ये आ रखे हैं, और जो 5 रुपये हैं वो आ रखे हैं, लेकिन ध्यान से 5 रुपये में से 2 रुपये प्रीमियम का है, तो इसका मतलब कैपिटल के नाम पे 3 रुपये आ रखे हैं, तो 3 और 3 6 रुपये आ रखे हैं वाई से, तो मेरा टोटल फायदा कितना हो गया? 12,000 का। क्या मुझे इसको एंट्री लिख के समझाऊं क्या? हाँ, एंट्री लिख के किसको समझाना है प्लीज जल्दी बोलो, मैं समझाता हूँ। आ गया सभी को? चलो तो हाँ, क्या चीज? इंडिविजुअल हाँ कर सकते हैं ना, और इंडिविजुअल एंट्री आप कर सकते हैं, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ये चीज है। आप क्या करें, अलग अलग एंट्री कर लें, एक्स का अलग वाई का अलग, ठीक है? तो जब आप एक्स की एंट्री पास करेंगे आप क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। हाँ, कम होते हैं, कम होते हैं। तो एक्स शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितना, अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स के केस में 1,000 शेयर्स, 1,000 शेयर्स, आज उसने अलॉटमेंट और कॉल दोनों का पैसा नहीं दिया, तो पूरे 10 रुपये, इसका मतलब हम मंगाल रखें, तभी तो उसने अलॉटमेंट और कॉल दोनों का नहीं दिया। कॉल का 4 रुपये, तीन ही इंस्टॉलमेंट्स में हम पैसा मंगा रहे हैं, तो दो नहीं दिए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड आज कितना हो जाना है? 10,000। आज क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया है, तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने क्रेडिट कर दिया होगा अलॉटमेंट के टाइम, आज उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। 1,000 शेयर्स पे 2 रुपये, 2,000 डेबिट करेंगे। टू व्हाट? टू शेयर फॉर फ्यूचर, आज हमें फायदा हो गया। 1,000 शेयर्स पे कितने का फायदा हो गया बोलो? 3 रुपये का फायदा हो गया, तो 1,000 शेयर्स पे 3 रुपये मतलब कितना हो गया? 3,000 रुपये का फायदा हो गया। टू व्हाट? टू कॉल सिनेरियोस, अब ये पैसा बुलाने से भी ना आएगा, तो आज कितने कितना पैसा लेना था? 9 रुपये लेना था, तो 1,000 शेयर्स पे अब 9 रुपये आएगा नहीं, 9,000। तो ये किसकी एंट्री हो गई? एक्स की। वैसे ही अब आप क्या करेंगे, वाई का कर ले, तो ये एक्स का फोर्फीचर है, एक्स का फोर्फीचर है, अब आप क्या करेंगे? वाई का फोर्फीचर करेंगे, वाई फोर्फीचर, ये चीज क्लियर है? तो आप अलग अलग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? हाँ जी, पूरा क्वेश्चन कट गया। अब वो पेपर मुझे भेजना, मैं ना जिसने पेपर चेक किया उसकी ऐसी तैसी करूँगा।
आप मेरे को भेजना, मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेरे को भेजना। एक्चुअल में ना देखिए, टू बी ऑनेस्ट इनफ प्लीज़, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वो ये है कि भाई आज मैं अपने रेगुलर स्टूडेंट्स जो भी होते हैं, मैं उनका पेपर चेक कर सकता हूँ, लेकिन आज हमने ऑल ओवर इंडिया में ये टेस्ट सीरीज कराई, तो कहीं ना कहीं मैं अकेला पेपर चेक नहीं कर सकता। तो वी टुक दी सर्विस ऑफ सम सीए टेस्ट सीरीज डॉट को की, और वो काफ़ी अच्छी मानी गई थी। हमने देखा, सब पहले देखा, समझा, और उनकी टीम्स को देखा, फिर हमने क्या किया था, ये टेस्ट सीरीज उनसे ली थी। तो नो डाउट हमें लग रहा था हर चीज़ अच्छी होगी, लेकिन कुछ जगह हमें भी समझ में आया कि उनने थोड़े से मार्क्स अननेसेसरली काट दिए बच्चों के। हमें ये चीज़ रियलाइज़ हुई, तो हमने उनको जो लॉ का पेपर और बाकी पेपर्स हैं उसमें बकाया, एमसीक्यू में तो खास दिक्कत नहीं गई, लेकिन लॉ के पेपर में हमने पहले ही उन्हें वार्न कर दिया था कि आप चीज़ों को थोड़ा सा ठीक कीजिए। एक्चुअल में क्या है कि उनके प्रोफेशनल, वो भी चेकर्स जो हैं वो सब सीए हैं, ऐसा बीकॉम पास आउट वाले नहीं हैं, लेकिन वो ना अभी तक के फाइनल लेवल्स पे चेकिंग किए हैं पेपर को। और फाइनल लेवल पे पेपर चेक करना मतलब ये होता है कि वहाँ पे फाइनल और इंटर लेवल पे पेपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चेक होता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, फाउंडेशन लेवल पे थोड़ी कम मैटर करती है, क्योंकि बच्चों को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं हम उनसे बोले हैं, और आप मेरे को अगर सिर्फ इस रीज़न से काटा होगा ना, तो मैं वाकई में मैं बोल रहा हूँ कि उनकी ऐसी तैसी करूँगा, ये चीज़ है। लेकिन अगर जेन्युइनली कटा है, कोई रीज़न से कटा होगा, वैसे कटना नहीं चाहिए था इस बात के लिए कि आपने अलग अलग एंट्री कर रखी है, तो इस बात पे तो कटना नहीं चाहिए था, ये चीज़ है। तो हमने खुद ने सोचा है कि भाई इस बार देखिए, इतने सारे पेपर्स कहीं ना कहीं 19-20 चेकिंग होती है, आप सीए इंस्टीट्यूट में भी देखेंगे तो थोड़ा सा चेकिंग को लेके थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इतना भी नहीं है, और वो भी इतना पर परसेंटेज पे नहीं है, 1-2% 2% का होता ही है, ह्यूमन एरर है। चलिए अच्छा, आ जाते हैं, शेयर कैपिटल 2000 शेयर्स इंटू कितना, 10 रुपये के हिसाब से, तो 2000 शेयर्स इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20,000। क्या यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, जल्दी बोलो सीए साहब। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे टू कॉल सिनेरियोस, आज क्या नहीं आया, जो अब कभी आएगा भी नहीं, कॉल्स का पैसा 4 रुपए के हिसाब से 8,000, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2000 शेयर्स इंटू 6 रुपए कितना हो गया, 12,000। बोलो क्या ये बात समझ में आई। अब इसमें हमने क्या कर दिया, री इशू कर दिया, कितने शेयर्स री इशू किए बोलो, हमने री इशू किए 2500 शेयर्स, तो 2500 शेयर्स इंटू, बताइए 2500 शेयर्स इंटू, आज हमने री इशू किया और 2 रुपये का डिस्काउंट दिया है, मतलब 8 रुपये में ही री इशू किए, डिस्काउंट जो है वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल, बात समझा, 2500 इंटू 8 कितना होता है, 20,000, 2500 शेयर्स इंटू 2 रुपये का नुकसान हुआ है, तो 2500 इंटू 2, 5,000 शेयर फॉर फ्यूचर में चले जाएगा, टू व्हाट, टू शेयर कैपिटल, 2500 शेयर्स इंटू 10 कितना हो गया, 25,000। वर्किंग नोट्स की नंबरिंग, यस, वो मैंडेटरी है। हाँ हाँ ये वर्किंग नोट्स मैंडेटरी है बेटा, ये करना मैंडेटरी है, ये वर्किंग्स, क्योंकि आप, नहीं, एक्चुअल में आपको लग रहा है टाइम वेस्ट है, ये बताओ जो एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है उसे पता कैसे चलेगा कि आपका फिगर कहाँ से आया। ऐसे में तो आप वर्किंग ही क्यों करते हो, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन ही क्यों दिखा रहे हो, सीधा कैलकुलेटर चिपका के स्टेपल करके भेज देना,
अब बोल लेना कि कैलकुलेटर से चेक कर लो। है नालायक तुम तो, अब तुम्हें उंगली पकड़ाई तुम तो सीधा गला पकड़ने उतर गए। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको वर्किंग्स बतानी है, ये नोट्स बताने हैं आपको, ये चीज़ समझ लीजिए, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे इसके लिए। अगर आपने ये नहीं दिखाया तो मार्क्स कटेंगे, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, लास्ट क्या है, अमाउंट ट्रांसफर्ड निकालना है। अमाउंट ट्रांसफर्ड, अब इसमें अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व एकदम चिल्लर हो गया दोस्त। मुझे बताओ आज लॉस जो हुआ है, लॉस ऑन री इशू ऑफ 2,500 शेयर्स, बताओ 2,500 शेयर्स पे लॉस कितने का हुआ है, 5,000 का। तो आज जब मैं प्रॉफिट भी निकालूंगा तो प्रॉफिट कितने शेयर्स का निकालूंगा, प्रॉफिट ऑन री इशू, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ 2,500 शेयर्स, बताइए। आज इसमें मिस्टर एक्स के सारे शेयर्स हैं, एक्स के टोटल कितने शेयर्स हैं जो हमने फोरफीट किए, 1,000 शेयर्स फोरफीट किए, इन 1,000 शेयर्स पे हमें मुनाफा कितने का हुआ, 3,000 का। तो 1,000 शेयर्स पे मुनाफा हुआ है 3,000 का, 1,000 शेयर्स, इन 1,000 शेयर्स पे हमें प्रॉफिट हुआ है 3,000 का। तो आज मुझे बताओ अगर 1,000 शेयर्स एक्स के इशू हुए हैं तो वाई के कितने इशू हुए हैं, 1,500 शेयर्स। और बताओ एक शेयर वाई के टोटल 2,000 शेयर्स में मुनाफा 8,000 का है, 2,000, सॉरी 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 सो सॉरी, 2,000 शेयर्स में मुनाफा कितने का है, 12,000 का है। तो 2,000 शेयर्स पे मुनाफा 12,000 का, तो 1,500 शेयर्स पे कितने का, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 1,500, 9,000, 9,000 का। तो टोटल कितना हो गया, ये 3 और 9 12 हो गया, 12 में से 5 चले गया तो बैलेंस बचा 7,000। ये तो एकदम सिंपल था दोस्त, ऐसे क्वेश्चंस तो हमने रिविजन्स में भी कर रखे हैं। अर्चिता का क्वेश्चन है सर जर्नल एंट्री में टोटल लिखना जरूरी है क्या? नहीं है, नहीं है, इतना फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है सीए फाउंडेशन। मैं बोल रहा हूँ कटा है, सभी का कटा है, देखो कटा है तो सभी का कटा है, नहीं तो किसी का नहीं कटा है, ऐसा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अकेले नहीं है जिसका कटा है, कटा सभी का है, जिनने टोटल, वैसे मैक्सिमम मैक्सिमम क्या 100% बच्चों ने लिखा ही नहीं था, तो उसका टोटल लिखने का लॉ के पेपर में, लैंग्वेज लॉ का पेपर का तो अचिन सर डिस्कस कर लेंगे, मेन है लैंग्वेज, लैंग्वेज के कारण कटा है, टोटल का नहीं कटता है, टोटल का। प्लीज लॉ का बात मेरे से मत करो, अचिन सर से कर लेना। अकाउंट्स में टोटल के लिए मार्क्स नहीं कटता, लेकिन आप, वही मैं बोला कि अगर आपका कटा है तो वो सभी का कटा है, तो एट द एंड आप दो दो मार्क्स सभी में पर सभी का ही बढ़ जाना है, ये चीज है। तो आप अकेले नहीं है जिसका कटा है, सबका ही कटा है, वो दो दो मार्क्स बढ़ जाएगा, तो आप चिंता नहीं करें। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपका वर्स्ट केस में आपका मार्क्स ये रहेगा, अच्छा केस में तो हमेशा ही ज्यादा आएगा, हमारा वर्स्ट केस में आपका मार्क्स इतना आएगा। और ये चीज मैंने ना पेपर चेकर को ये चीज समझाई कि भाई क्या किया है, पेपर आपने जो चेक किया उसमें इन चीजों के मार्क्स नहीं कटते। वो बोलता है कि सर, अगर वो, उनने मेरे से जब बात हुई तो उनने बोला कि सर ये गाइडलाइंस है, उस हिसाब से हमने चेक किया था, तो उस गाइडलाइंस के हिसाब से क्योंकि उनने चेक किया, तो वो सीए फाउंडेशन लेवल पे इतना मैटर नहीं करता है। तो आप चिंता मत कीजिए, आप टोटल नहीं भी लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है? चलो बोलिए। हाँ बेटा, फॉर्मेट डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अब अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और फॉर्मेटिंग गलत कर रहे हो तो 1 मार्क्स कट जाएगा आपका, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 आध मार्क्स, वो वाली बात है, वो डिपेंड करता है फॉर्मेटिंग कैसी है। नहीं बेटा, वो डिपेंड करता है ना क्वेश्चन फॉर्मेट कितना जरूरी है उस क्वेश्चन के लिए। भाई अब आप मेरे से बोलेंगे कि सर तेल कितना, तेल की क्या वैल्यू है, तो मैं मतलब पेट्रोल की क्या वैल्यू है,
तो पेट्रोल की ओरिजिनल कीमत हो सकती है 80 रुपये 90 रुपये हो, क्लियर है। लेकिन अगर आपको कहीं जाना है और पेट्रोल नहीं है और 5 किलोमीटर तक के पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो फिर बताओ क्या होगा। फिर तो बाजू वाले जो जाते हुए वो आप बोल रहे हो कि भाई साहब 1 लीटर पेट्रोल दे तो अपनी गाड़ी से, तो वो बोलेगा 500 रुपये निकाल, आप दोगे। तो ये डिपेंड करता है ना सर्कमस्टेंसेस, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितना कितने मार्क्स का है, क्वेश्चन में वो फॉर्मेट इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, वो हर चीज़ पे डिपेंड करेगा। और ये सब ना ये सब एग्जामिनर की ऊपर छोड़ दिया जाता है कि भाई एग्जामिनर अपने जजमेंट को यूज़ करके मार्क्स काटेगा। तो कहीं जगह कोई एग्जामिनर 2 मार्क्स काटता है तो कोई 1 मार्क्स, और ये कटता है। फॉर्मेट अगर आपके सही नहीं है तो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। अब कोई 1 काटेगा कोई 2 काटेगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस पे और मार्क्स पे। हाँ, एक जन बोल लो। मुझे ना क्वेश्चन क्वेश्चंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दो चीजें समझ आती है। एक तो 15 जो मिनट्स में किन पॉइंट्स को नोटिस करें क्वेश्चन रीड करते वक्त, क्या और चीज सेकंड थिंग ही ना, आपकी आवाज कट रही है एक्चुअल में। 15 मिनट। हाँ वो पेपर के वो सब पे आना है ही ना, वो 15 मिनट को रीड करते टाइम क्या ध्यान रखना है, वो सब पे है, मैं आ रहा हूँ, वो सब पे आ रहा हूँ। मेरे को पहले ये बताओ, ये खत्म हो गया क्या? इसमें मेरे को बताओ कि अगर आप क्वेश्चन में डाउट नहीं है तो मेरे को वही सारी बातों पे डिस्कशन करना है आपसे। हाँ 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 कैसे रेक्टिफाई करूँ? आओ 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 आओ, मैं आपको दो तीन बातें समझाता हूँ, प्लीज पहले दो तीन बातों को समझ लो। सबसे पहला, अब आ जाता हूँ आपके पेपर्स की बातें कर लेता हूँ। पेपर्स में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, पेपर के दिन ऑन पेपर डे पे क्या क्या बातें ध्यान रखना है वो आप समझ लीजिए। पहला तो आपको पता ही होगा कि आपको इन एनी केस 1 बजे तक के अपने सेंटर्स पे पहुंच जाना है, ये आपको पता है कि नहीं पता है? 1 बजे तक के आपको सेंटर्स में पहुंच जाना है। दूसरा, आपको जो अकाउंट्स और लॉ का पेपर है वो 145 पे मिल जाएगा, अकाउंट्स और लॉ का पेपर। तो जब अकाउंट्स और लॉ का पेपर 145 पे मिल जाएगा तो आपको 2 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाता है, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम दिया जाता है, रीडिंग 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। अच्छा, एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, मेरे को तो हैरानी हुई, कोई बच्चा ऐसे कैसे बोल सकता है, मतलब किस चीज़ को लेके। अच्छा हाँ, क्वेश्चन 1 क्या कंपलसरी होता है, नलायक कैसे कैसी बातें करते हैं, मतलब तुम आखिरी में, मतलब वो अच्छा हुआ तुमने मेरी टेस्ट सीरीज दे दी, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है। कैसे मतलब ऐसे सवाल आए मेरे को, मैं हंस हंस के लोटपोट हो गया उस दिन कि भाई कोई बच्चा ऐसे कैसे सवाल पूछ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, कुछ बातें ध्यान रखना, क्वेश्चन 1 कंपलसरी। कई लोगों के मिथ होता है क्या क्वेश्चन नंबर 1 को हमें फर्स्ट पहले ही अटेम्प्ट करना है, तो आंसर इज नो। आपको क्वेश्चन नंबर 1 को पहले पेज से ही अटेम्प्ट करें ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको पूरे पेपर में ये लगता है कि मेरे को BRS बहुत अच्छा बनता है और वो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप BRS से चालू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चालू उसी से करेंगे। कुछ बातें बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना आप। अपन पहली बात मैं 15 मिनट के रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है वो भी बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं जो बात करना चाहता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें स्टार्ट विथ दोस क्वेश्चन जिसको आपको अच्छे से बनता है या आपने देखा हुआ है। क्योंकि देखिए, हमने 100 क्वेश्चंस करा दिए, आपने 100 क्वेश्चंस कर भी लिए, लेकिन आपको हो सकता है वहां पे 101 क्वेश्चन मिले, कुछ नया मिले देखने के लिए। तो उन नए को मत ढूंढना कि क्या नया है ये, और नए को देख के डरना नहीं है। आपको स्टार्ट किससे करना है, आपको हमेशा स्टार्ट उन्हीं क्वेश्चन से करना है जो क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं और आपने किए हुए हैं, वैसे क्वेश्चंस आएंगे, बिलीव कीजिए आएंगे। ये मत सोचिएगा सर इतने सारे लोग बैठ रहे हैं तो पेपर टफ आएगा, पेपर टफ नहीं आया, इंटर का पेपर वाकई में टफ नहीं आया। देखो 4 में से 1 पेपर तो टफ आएगा, लेकिन इंटर अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं या फाइनल अकाउंट्स की बात करूं, वो पेपर टफ नहीं आया, पूरा का पूरा मॉड्यूल बेस्ड आया, पूरे मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे। तो मैं इस बार भी उम्मीद कर रहा हूँ कि फाउंडेशन लेवल पे भी, क्योंकि पास में देखा है हमने कि इंटर के पेपर, और हमेशा ऐसे ही होता है कि फाउंडेशन का पेपर बाद में चालू होता है,
जब तक कि ग्रुप वन इंटर का निपट जाता है। तो इंटर के पेपर अगर टफ होते हैं तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन भी थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इंटर के पेपर इजी होते हैं तो फाउंडेशन भी कहीं ना कहीं इजी रहता है। तो आप अपने माइंड में पहला तो ये थॉट लाना बंद कर दीजिए कि पेपर टफ आने वाला है। पेपर टफ नहीं आएगा, जो आपने पढ़ा है उसी में से आएगा। और अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखिए प्लीज। आपको आपको ना क्या है कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम अपनी वैल्यू गिराते रहते हैं। हमें अपनी वैल्यू नहीं गिरानी भाई, हमारे को अगर हमें अच्छा पैसा चाहिए, अगर हमें अच्छा रेपुटेशन चाहिए, हमें अच्छा रिस्पेक्ट चाहिए, तो हमें अपनी वैल्यू नहीं गिरानी है कभी भी। उल्टा हमें अपनी वैल्यू बढ़ाते चलनी है, हमें कुछ ना कुछ सीखते जाना है और बढ़ाते रहनी है अपनी वैल्यू। तो मैं उस पे बात पे आऊँ तो उसके पहले मैं बताऊँ आपको, क्वेश्चन नंबर वन आपका कंपलसरी है, आपको करना ही करना है, लेकिन आप जब चाहें तब अटेम्प्ट कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर वन मान लीजिए नहीं बन रहा, लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, जो बनता है उससे चालू कीजिएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें हमेशा फ्रेश फ्रेश पेज से करें। ये क्यों बोला जाता है फ्रेश पेज से करने का, वो इसलिए बोला जाता है, रीज़न बहुत सिंपल सा है। होता क्या है कि आप अगर एक क्वेश्चन ख़त्म हुआ और नेक्स्ट उसके नीचे ही दूसरा क्वेश्चन चालू कर दिया, तो उसमें एग्जामिनर कई बार ना वो ओवरलुक कर जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं क्वेश्चंस के सब पार्ट्स होते हैं। जैसे क्वेश्चन वन ए बी सी, अब आपने ए और बी कर लिया और सी भी आपने कर लिया, लेकिन आपने एक साथ कर लिया, तो कई बार एग्जामिनर ना ओवरलुक कर जाता है और ये दो के एक ही मार्क्स में दे देता है। मान लीजिए ये दो है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन के आंसर्स हैं, आपको दो अलग अलग मार्किंग्स मिलनी चाहिए, लेकिन आपको क्या मिल गया, ओवरऑल एक ही मार्क्स मिले, ये चीज कर रहे, तो ओवरलुक हो जाता है। तो हर बार क्वेश्चन को क्या करिए, नए पेज से चालू करें। क्लियर है? अच्छा, इसके लिए भी कई स्टूडेंट्स के मार्क्स काटे गए होंगे। अगर मैं बोलूँ ना तो वो आपके ICAI कभी मार्क्स नहीं काटेगा, हमने जेन्युइनली काटे हैं वो मार्क्स। रीज़न ये है आपकी ये हैबिट को डिस्करेज करने के लिए। अब आपको आपके मार्क्स अगर फाउंडेशन में ये चीज़ के लिए कटे ना हमारे पेपर पे, तो आपको अब ये हमेशा याद रहेगा, चाहे आप फाउंडेशन दे रहे हो, इंटर दे रहे हो, फाइनल दे रहे हो, आपके दिमाग में अब छप जाएगी ये बात कि भाई हमें हर क्वेश्चन को एक नए पेज से चालू करना, भले ही पूरा पेज रहने दीजिए। कई लोगों को लगता है सर ऊपर की दो लाइन तो लिखी है, बाकी का नीचे का पेज यूज कर ले। भाई तू नीचे का पेज यूज करने के चक्कर में अपने मार्क्स की लगा देगा, भाई नए पेज से चालू कर ले, क्या दिक्कत है? वैसे भी पेज के पैसे दे रखे ना, एग्जाम फॉर्म भरे थे नहीं भरे थे देने से पहले, पेपर दे रहे हो तो एग्जाम फॉर्म भरे हो ना, पैसा दे चुके हो ना, तो फिर क्या चिंता, क्या एक पेज एक्स्ट्रा के लिए आप ऐसा कर रहे हैं? तो बकायदा आप लिखिए। आपको हमेशा क्या करना है, फर्स्ट फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करना है अपने सारे क्वेश्चन को। मान लीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर, हाँ, शीट जो होती है, जो जब मैं था, मेरे को अभी का आइडिया नहीं है, लेकिन जब मैं था तो 32 पेज की आती थी, 32 पेज की। बीच में अभी पेजेस, अभी फॉर्मेट्स चेंज किए हैं, पहले हमारे में वर्टिकल आता था, मतलब रजिस्टर ऐसा, आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा ऐसा ना हो के ऐसा आता था, तो हम ऐसे लिखते थे, अब शायद इस वे में आने लगे, नॉर्मल रजिस्टर के पेजेस के हिसाब से आने लगे, तो वो 32 या 28 पेजेस के होते हैं, उसी वे में चलता है, तो वो इतना मैटर नहीं करता। आपको उसके बाद जितनी चाहे उतनी सप्लीमेंट्री आप ले सकते हैं, बस धागा लगा देना लास्ट में, याद रखना। अच्छा, धागा नहीं, अब तो स्टेपल करना है, आपको अपना स्टेपलर खुद लेके जाना है, तो ध्यान रखेंगे आप अपना स्टेपलर खुद कैरी करेंगे, और आपको वो सैनिटाइजर वो सब तो कैरी करना ही है। अच्छा, मेरी बात को सुन लीजिए, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन फोर का ए पार्ट बन रहा है, बहुत अच्छे से बना, मैंने बहुत अच्छे से लिख भी दिया, क्वेश्चन नंबर फोर का बी पार्ट मुझे नहीं बन रहा है, तो फिर मैं क्या करूँ, और मेरे को फिर सी पार्ट बन रहा है, सी पार्ट बन रहा है, तो क्या मैं बी पार्ट के लिए जगह छोड़ दूं? तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप अपने नॉलेज के हिसाब से जगह छोड़िए, आप अपनी नॉलेज के हिसाब से वहीं पर जगह छोड़ दीजिए, वहीं पर। सर अगर मान लो सर हमने तीन पेज छोड़ दिए, बाद में हमने सी वाला पार्ट अटेम्प्ट किया, और लास्ट में क्या हो गया, लास्ट में हमारा बेल बज गई और पेपर चेक नहीं हुआ, तो कई लोगों के माइंड में होता है कि भैया तीन पेज छोड़ दिए तो एग्जामिनर पन्ना नहीं पलटाएगा, भाई वो पलटाता है, लास्ट तक के पलटाता है वो। क्लियर है? आपसे अगर कुछ हो जाए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन फोर का ए पार्ट बन गया, बी पार्ट के लिए आपने जगह छोड़ी थी, लेकिन लास्ट में टाइम नहीं बचा है, तो आपने जो तीन पेजेस छोड़ रखे ना,
उन तीन पेजेस को काट के, यहाँ पे काटिएगा ऐसा और लिखिएगा पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर, तो पीटीओ लिख लीजिएगा। तो उससे ये पता चल जाएगा, एग्जामिनर को एक हिंट भी मिल जाती है कि भाई आगे चलना है। वैसे एग्जामिनर आपको लास्ट तक के वो पन्ना पलटाता है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा गलती से ना छोड़ दिया पेजेस, आप वहीं पे ही छोड़िए, ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन को, क्वेश्चन के सब पार्ट्स को कहीं और मत कीजिएगा, मतलब आप स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन 4 से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी वहीं कीजिए। ऐसा मत करना 4 का पार्ट ए कर लिया, फिर 3 का पार्ट बी कर लिया, फिर 3 का, फिर 2 का पार्ट 1 कर लिया, फिर 6 का पार्ट 4 कर लिया। ऐसे करोगे तो आपके मार्क्स कटने, मतलब आपको प्रॉपर जो मार्किंग मिलनी है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एक्चुअल में एग्जामिनर भी तो इंसान का ही बच्चा है, तुम समझे कि बात को, एग्जामिनर भी तो इंसान का ही बच्चा है, और इंसान क्या है, गलतियों का पुतला, तो इंसान के बच्चे से भी तो गलतियां हो सकती है। तो भाई आप गलतियां ही करने का उसे मौका ना दें, तो आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 4 अटेम्प कीजिए, 5 अटेम्प कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कई लोगों ना, कई लोग फाइनल अकाउंट्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स कोई भी सवाल पूछो उनसे बनेगा, एनपीओ कोई भी सवाल पूछो उनसे बनेगा। क्या होता है, अगर आपको बहुत अच्छी कोई चीज़ बनती है ना, और एग्जाम में बाय चांस, एग्जाम में बाय चांस आपने कोई सिली मिस्टेक की और उसके कारण बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, तो बच्चा मालूम है क्या करता है, अपने ईगो पे ले लेता है, मैंने 9 महीने मेहनत की और सर मेरा, वो बच्चे की स्टेटमेंट रहता है पेपर दे के आने के बाद, सर मैंने 9 महीने मेहनत की, ऐसा एक क्लास नहीं है जिसमें मेरा एनपीओ का बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, लेकिन एग्जाम में टैली नहीं हुआ तो मैं क्या करना बैठ क्या, ऐसे कैसे नहीं हुआ टैली, और वो लगा रहा है एनपीओ का क्वेश्चन का टैली कराने के लिए, लास्ट में उसकी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई और उसने उस क्वेश्चन के लिए 50 मिनट्स बर्बाद कर दिए। अब आप मुझे बताइए, 100 मार्क्स का पेपर है, ध्यान से देखिएगा, 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स के पेपर में आपके पास मैक्स 3 आवर्स है, 3 आवर्स से ज़्यादा तो मिलना नहीं है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। अब आपने 20 मार्क्स के लिए आपने क्या कर दिया, 50 मिनट्स पर बात कर दिए, 50 मिनट्स, 3 आवर्स मतलब कितना हो गया, 180 मिनट्स। अब आपके पास बचा कितना है, सिर्फ 130 मिनट बचा है, उसमें भी आपका क्वेश्चन 20 मार्क्स का क्वेश्चन टैली नहीं हुआ और अभी भी आपको 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। अब आप बताइए कहाँ आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप कहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को, आपका क्वेश्चन पेपर ही खत्म नहीं हो सकता, पेपर ही खत्म नहीं हो सकता। मैं आपको लास्ट क्लास में याद है कुछ बताया था, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी, मैंने आपको बोला था आप ये स्टैंडर्ड टाइम टेबल टाइमिंग है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, स्टैंडर्ड टाइमिंग बोल लो, जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, फिट कर लो अपने दिमाग में, फिट कर लो। क्वेश्चन जो आते हैं ना वो, या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स के आएंगे, 4 मार्क्स के आएंगे, 5 मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, 6 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का, 8 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा, या फिर वो आएगा 12 मार्क्स का या 16 मार्क्स का, ये मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, यही रेंज होती है। अब मैं इसमें लॉ वॉ सब ले लिया, मैं सिर्फ अकाउंट्स नहीं लिया, लॉ वॉ सब ले लिया, मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो मार्क्स है ना, उस मार्क्स के हिसाब से उसका टाइम डिसाइड होगा। भाई आप मार्क्स के हिसाब से अहमियत दीजिए ना, आप क्या करते हो, आप अहमियत गलत देते हो। मैं बोल रहा हूँ आपको मार्क्स के हिसाब से, भाई 1.5 मिनट, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 मिनट्स इसके ऊपर नहीं लगने चाहिए, 1.5 मिनट मतलब 90 सेकेंड्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन 90 सेकेंड्स में हो ही जाना चाहिए आपका। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट ले सकते हो आप, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बताइए 1.5 मिनट के हिसाब से 4 मार्क्स 6 मिनट, 6 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है। 7 मार्क्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 7.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं देना है। हाँ, लाइन पे नहीं बोल रहा हूँ मैं बेटा, मिनट्स पे बोल रहा हूँ, मिनट्स पे बोल रहा हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ ना, पहले एक स्टैंडर्ड में मेरे को बताने दे, फिर आपके भी डाउट्स पे आ जाऊँगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम कितना मिले, 9 मिनट है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है 12 मिनट है।
10 मार्क्स का क्वेश्चन है 15 मिनट, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है 18 मिनट, और 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 24 मिनट। बस ये आपके दिमाग में टाइम फ्रेम होना चाहिए। सर ये कैसे निकाला? कुछ नहीं, मैंने बोला कि भाई आपका 180 मार्क्स, आपका 180 मिनट का पेपर होता है जिसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर करना है, 30 मिनट्स मैंने बफर टाइम रखा है, 30 मिनट्स का मेरा बफर है, तो मेरे पास कितना बचा? 150 मिनट्स। 150 मिनट्स में मुझे 100 मार्क्स के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। इसका मतलब मेरे को हर एक मार्क्स के लिए मेरे पास कितने मिनट है? मेरे पास 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट्स है, ख़त्म। 30 मार्क्स का मैंने बफर, 30 मिनट्स का मैंने बफर रखा है। ये 30 मिनट्स हम कहाँ यूज करेंगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। होता क्या है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हम चार चार पेज छाप देते हैं, वो गलत करते हैं ना। 4 मार्क्स जो क्वेश्चन हमें बनता है, फिर तो हम ये नहीं, जो हमें बनता है ना, हम उसमें मालूम है क्या हो जाते हैं, ऐसा स्टूडेंट हमें ये लगता है कि भाई बनता है सब लिख दो, सब लिख दो, कहीं से भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए। और सब लिखने के चक्कर में क्या होता है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 4 पेज पेल लेते हैं और 10, 15, 20 मिनट खराब देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना ना, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस के आपके टाइमिंग जा रहा है। तो आपको 4 मार्क्स का सवाल है, आप 6 मिनट देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे आप। सर अगर मान लो 6 मिनट देने के बाद भी हमें लग रहा है कि बस 1 मिनट और लिख के हो जाएगा, तो दो ना, हमारे पास बफर ऑलरेडी 30 मिनट का रखा है, हमने ऑलरेडी बफर 30 मिनट का रखा है, उसमें से यूज कर लेंगे हम 1 मिनट, हम पूरा उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और हम 6 मिनट में, 6 मिनट में हम 50% भी क्वेश्चन नहीं कर पाए अभी तक, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वहीं छोड़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, जितना हो गया उतना छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, बाद में जब बचेगा समय तब हम करेंगे। चल बन रहा है, मेरे को बन रहा है, तो फिर स्पीड ला के ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये पैरामीटर से आपकी स्पीड और बढ़ेगी। आपको ये लगेगा यार 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मिनट में ख़त्म होना है, और 6 मिनट में ख़त्म नहीं हो पा रहा है, तो आप और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखो एक चीज़ हमेशा समझो, कई लोग बोलेंगे सर जल्दी करने से गलतियाँ भी हो सकती है, तो भाई वो चीज़ तो आपको संभालनी है। ऐसा आप कब तक के चलाओगे कि भाई गलत, आप दोनों चीज़ें की बात नहीं कर सकते। आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो स्पीड होनी चाहिए, स्पीड के साथ आपको एक्यूरेसी भी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी तो आएंगे। यार बच्चा 98 स्कोर किया है मेरे सब्जेक्ट में, मेरे ही स्टूडेंट 98 स्कोर किया है, तो स्कोर कैसे कर पाया है? वो ऐसे ही तो कर पाया है जब उसने टाइम को मैनेज किया। आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स तो नहीं आने वाला ना, तो टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये अपने दिमाग में ये टाइम फ्रेम रखना बहुत ज़रूरी है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 6 मिनट दो, उससे ज़्यादा नहीं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है 15 मिनट दो, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर है? अब इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बीच में आपने क्योंकि मेरे को रोका था इसे मैं पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है तो पूछ लो। समझा क्या, कैसे क्या करना है? हाँ समझा। चल तो कौन कौन नालायक बच्चे थे जिनने इस पेपर में ऐसी गलती की थी कि अपन ने टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया था? मैं था, पुनीत। चलो अच्छा अच्छा है, आप खुद कन्फेस कर रहे हैं, लेकिन अब ध्यान रखेंगे ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब बताओ, आपने 6 महीने, 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जहाँ 9 मिनट लगना था आपने 30 मिनट लगा दिए, मतलब आपने 21 मिनट्स एक्स्ट्रा लगाए। ये 21 मिनट्स एट दी एंड आपको क्या किया, 94 मार्क्स के क्वेश्चन को ख़राब कर दिया। समझा कि नहीं समझा? ध्यान रहेगा, क्या चीज देखो, अब ये चीज ना बेटा, ज्यादा से ज्यादा आप, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास स्पीड नहीं है ना, तो आप स्पीड को बढ़ाने पे मत सोचो, आप एक्यूरेसी लाने पे सोचो। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने एक बंदा बैठा था लॉ लिखने, लॉ का मतलब सीए इंटर की बात कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव की नहीं, हाँ सीए इंटर की बात कर रहा हूँ, सीए इंटर में लॉ का बंदा था भाई। लॉ में उसने 4 सप्लीमेंट्री ले ली,
चार चार सप्लीमेंट्री लॉ के पेपर में, मैं बोल रहा हूँ हमारा एक खत्म नहीं, अरे एक छोड़ो, 32 पेज की जो शीट है उसमें से 25 पेज भी नहीं खत्म हुए, 24 पेज पे ऊपर डॉट लगा के छोड़ दिया, और वो 32 पेज खत्म करके और चार शीट्स लेके बैठा है। रिजल्ट आया मैं पास, वो फेल। अब बताओ, चार चार सप्लीमेंट्री, मैं सोच रहा हूँ लिख क्या रहा है, लिख क्या रहा है, और उसको देख के हम पेपर लिख रहे हैं, उसने बोला सप्लीमेंट्री है, मैं आजू बाजू देखा कि सप्लीमेंट्री भाई, यहाँ पे तो 16 पेज भी नहीं खत्म हुए थे 32 में से, उस वक्त जब सप्लीमेंट्री मांग ली उसने। तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि इससे कोई मैटर नहीं करता, आप 2T पॉइंट लिखो, CA का पेपर है, BCom का पेपर नहीं है, 2 द पॉइंट लिखिए आप आंसर्स, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और पॉइंट वाइज बना के लिखिए आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये चीज़ है आप। लेकिन ये गलती मत करना जो बच्चे गलती करते हैं, अगर आप ईगो पे ले लेते हो, प्रॉब्लम ये है कि हमें डेप्रिसिएशन बनता है या हमें कोई चैप्टर बनता है तो बच्चा ईगो पे ले लेता है, यार इसको तो मैं कैसे भी करके रहूँगा, अरे भाई तू कर लेगा वो, बाकी लोग तेरी गलत देंगे, ये चीज़ समझ में आया, क्लियर है? तो ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और पेपर वाले दिन ये 15 मिनट को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 15 मिनट्स, ये 15 मिनट्स में आपको ये नहीं ढूंढना है, ये नहीं करना है कि कौन कौन सा सवाल करना है, आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि कौन सा सवाल नहीं करना है। कुछ समझा नहीं समझा? सर हम वही तो ढूंढ रहे रहते हैं कि कौन कौन सा करना है, नहीं प्रॉब्लम क्या है मालूम है, आप क्या करते हो, आप 15 मिनट्स में क्वेश्चन पेपर को रीड करना चालू कर देते हो। मैं आपसे बोलूंगा आपका प्रायोरिटी क्वेश्चन पेपर को रीड करना नहीं होना चाहिए, ना ही क्वेश्चन को उन 15 मिनट में देखने का होना चाहिए। आपको मालूम है क्या करना है, आपको एक नजर माननी है, आपको ये नजर माननी है, पहला पेपर मिले तो पेपर को उठाओ, और ये जैसे पेपर है, ये पेपर है, ये पेपर को उठाओ, और पेपर उठा के सिर्फ नजर मारो, सिर्फ नजर मारो, एक 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 लाइन, पूरा डिटेल में रीड करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ नजर मारो और ये चेक करो कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझसे बहुत अच्छे से बनते हैं, वो क्वेश्चन पे डॉट या टिक लगा दो। वैसे आप क्वेश्चन पेपर पे लिख नहीं सकते, लेकिन छोटा सा डॉट या वो कुछ बना देना, क्लियर है? आप वो क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन, ये चैप्टर ही मैंने नहीं किया, कई स्टूडेंट पार्टनरशिप छोड़ के जाते हैं पता नहीं क्यों, जबकि सबसे चिल्लर है, फिर भी अगर आप छोड़ के गए हो और 15 मार्क्स का सवाल वो देख रहा है, तो भाई तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई मुझे तो ये छोड़ना है क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि 6 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है, क्लियर है? एक बार वो डिसाइड हो गया कि आपने कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, तो फिर आपके लिए बाकी सारे क्वेश्चन कंपलसरी हो गए, और जब बाकी सारे क्वेश्चन कंपलसरी हो गए, फिर आप क्या करना, रीड करना चालू करना, एक एक करके पूरे क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, आया कि नहीं? क्लियर है? वो 15 मिनट को यूज करने का टेक्निक समझ में आया? चलिए, किन किन ने ये टेक्निक फॉलो करते थे, अगर करते थे बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो ध्यान रखना अगली बार फॉलो करना, ठीक है? अच्छा, मैं कुछ आपको बताऊंगा जहाँ पे एकदम ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, हो सके तो अवॉइड करना, हो सके तो, अगर नहीं हो तो फिर तो करना ही पड़ेगा। जैसे अकाउंट करेंट का क्वेश्चन, अकाउंट करेंट के क्वेश्चन आ जाए तो वो बहुत लेंदी क्वेश्चन होते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जहाँ आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे आपको एंट्रीज पे एंट्रीज दे पास करनी है, जब वो रिसीवर की बुक्स बोल दे, मतलब जो सेलर की बुक्स है, बायर की बुक्स है, या हम जैसे बोलते हैं कि भाई जिसको बिल BR रिसीव हुआ है, बिल्स पेबल दिया है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर ऑफ जो एंट्रीज है, अकोमोडेशन बिल आ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अगर कोशिश करें कि अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं और आपको पूरा ही पेपर बन रहा है और ऐसे क्वेश्चंस आए, और वो अगर टॉपिक अच्छे से बनता है, बाकी टॉपिक्स अच्छे से बनते हैं, तो फिर उसको लीव कर देना ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो आपको 15 मिनट के बारे में बता दिया मैंने, आपको पेपर्स के दौरान बता दिया। अच्छा, कभी भी पेपर में डर लगे, भाई मैं आपको सीधा बोलता हूँ, मैं आपको सीधा बोलता हूँ, कभी भी पेपर में डर लगे क्या करना, पेन रखना नीचे, पानी पीना और वॉशरूम चले जाना। सर वॉशरूम में आंसर मिल जाएगा? नहीं, आंसर तो नहीं मिलेगा,
लेकिन वॉशरूम में वो एनवायरनमेंट मिल जाएगा कि तुम्हें आंसर आने के बाद बन जाएगा, मतलब समझा? मतलब ये है कि वॉशरूम तक के जाओ ना जाओ उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक बार घूम के आ जाओ, एक बार राउंड लगा के आ जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है, होता क्या है हम जब कोई चीज पे ज्यादा फोकस करते ना तो उल्टा हमें चीजें और कंफ्यूजन चालू हो जाता है। तो आप 2 मिनट का ब्रेक लो, जाओ और वापस आओ, घूम फिर के ही आ जाओ। टच किसी को करने का नहीं, छूना नहीं है किसी को, ये चीज है। पूरा मास्क वास्क पहन के जाने का है। तो अपन को क्या करना है, अपन एक बार राउंड मार के आ जाए, ताकि क्या होता है कि वो आप वापस आके कंफर्टेबली बैठिए और वापस से चालू करेंगे, आपको चीजें बनेगी। आप चीजों की समरी लिखिए, जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना, और जहां पे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जहां डेट्स आते हैं वहां पे आप लाइन डायग्राम बनाइए, जहां समरीज लिखिए, जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ी बहुत समरीज लिखिए, तो वो आपको हेल्प करेंगी। समरी गलत भी होगी तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि उसके कोई मार्क्स नहीं होते, ना मार्क्स मिलते हैं ना मार्क्स कटते हैं, ये चीज कह रहे हैं। वर्किंग नोट सभी का दीजिए, जहां तक के कैलकुलेशन है वहां तक के वर्किंग नोट दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये चीज है। तो एग्जाम के पेपर को लेके मैंने आपको बता दिया कि उन 3 घंटों में क्या करना है। अच्छा, 3 घंटे खत्म हो जाए, लड़के लोग, खासकर लड़के लोग, तुम्हें किसी लड़की से मिलना नहीं है, तुम्हें सीधा उठना है, तुम्हें सीधा उठना है अपने दोस्तों से। लड़के लोग आपस में हाय हेलो किया, बाय बाय किया, बेस्ट ऑफ लक बोला और सीधा निकल जाना है। तुम्हें कोई भी लड़कियों से नहीं मिलना। सर एक बात बताओ, ऐसा क्यों मना कर रहे हो? मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं एक्चुअल में देखो क्या है, गर्ल्स टू बी ऑनेस्ट है ना, आप लोगों को बहुत कुछ आता है, मैं मना नहीं करता। बहुत मैक्सिमम टाइम हमारे यहाँ से भी जो रैंक लाए वो लड़के लड़कियों ने लाए, अग्री करता हूँ, सरस्वती माँ की कृपा बहुत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, हमारा बहुत कुछ बिगड़ जाता है। प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे तुम्हें तुम्हें बनता है कोई चीज, और लड़के लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि भाई मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि भाई हुआ ये कि मेरी एक फ्रेंड से बहस हो गई कि भाई 3 घंटे का पेपर देने के बाद मैंने उसे बताया कि ऐसा ऐसा होगा, वो मना करती, वो बोलती है ऐसा होगा ही नहीं। और एक तो कॉन्फिडेंस आपका लेवल ही अलग रहता है, जब आप बात करते हो ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे होता है, और जब लड़के लोग पेपर देते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 पे होता है। तो तुम जब कोई चीज बोलते हो तो उन्हें लगता है, लड़कों को लगता ही है कि हमने ही गलत किया। और हुआ यही कि मेरे को लगा यार मैंने शायद तो गलत ही कर दिया, मेरा दिमाग खराब होना चालू हो गया, यार ये पेपर खराब हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया। वो पूरे टेंशन से मैं घर गया, घर जाने के बाद जब मैंने सोल्यूशन देखा तो मैं सही था, वो गलत थी। और वो पूरे रास्ते भर मेरे को लग रहा था यार 6 महीने लग गए, कम अगेन होगा CA, मतलब अब कम अगेन होगा, 6 महीने बाद फिर पेपर देना पड़ेगा, ऐसा लग रहा था। तो मैं आपको बोलूँगा लड़के लोग प्लीज, आप इनफैक्ट सभी से मना करूँगा, मैं गर्ल्स को भी मना करूँगा, आपस में पेपर डिस्कस करने का ही नहीं, पेपर हमेशा लास्ट में, 4 पेपर एक बार खत्म हो जाए 14 तारीख के बाद बैठो और जितना डिस्कशन करना करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 14 तारीख तक, 8 से 14 तक के प्लीज हाय हेलो के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, क्लियर है? और 8 से 14 तक के आप इनफैक्ट अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। ना मेरा रिवीजन देखना है, ना किसी और का रिवीजन देखना है, सिर्फ फोकस करना है अपनी स्टडीज पे, ये चीज है। और एक चीज बता दूं, होता यह है कि कई बार बच्चा क्या सोचता है, मेरा अकाउंट्स मैं क्लास 11 से पढ़ रहा हूँ, 12 से पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को सबसे ज्यादा भरोसा अकाउंट्स पे, अकाउंट्स का पेपर तो अच्छा जाना ही चाहिए। और होता क्या है, बाय चांस भगवान ना करे आपका अकाउंट्स का पेपर बिगड़ जाता है किसी स्टूडेंट का, तो होता क्या है वो दूसरा तीसरा और चौथा पेपर भी बिगाड़ देता है। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आती, भाई तुमने 100 100 100 मार्क्स के हर सब्जेक्ट थे, आपने मेहनत भी उस हिसाब से कर रखी है, तो आप अपने पेपर को बिगड़ने क्यों दे रहे हो? और बाय चांस बिगड़ भी रहा है तो आप उसका इम्पैक्ट कैरी फॉरवर्ड होने क्यों दे रहे हो? अब आपकी जगह मैं हूं, मैं सीरियसली ऐसा सोचता था, बिलीव कीजिए मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ ना मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। मैं हमेशा ये सोचता था अगर मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं बनना है, ये 7 दिन, अब ये आपके पास 7 दिन ही बचे हैं क्रूशल, ये 7 दिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं बने तो हम क्या सोचते हैं, हम नेगेटिव होना चालू हो जाते हैं, हम अपने बारे में नेगेटिव सोचना चालू हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं सामने वाला तो पास हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, वो तो निकल जाएगा लेकिन मैं फेल हो जाऊंगा। कभी अपने आप को ऐसा नहीं बोले, अगर ये 7 दिन आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बने, आप सिर्फ इतना बोलेंगे अपने आप को, ये कसम खा लें, आज मेरे को आप सभी से एक प्रॉमिस चाहिए, आप ये कसम खाते हुए ही ये सेशन छोड़ेंगे, आप सिर्फ इतना बोलेंगे अपने आप को कि अच्छा हुआ यहाँ नहीं बना, अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा।
क्योंकि अब आपने देख लिया उसका सोल्यूशन और एग्जाम में अब आ गया तो बनना चाहिए। तो आप अपने आप को पॉजिटिव वे में बोलेंगे, आप कभी भी अपने आप को नेगेटिव नहीं बोलेंगे, आप पॉजिटिव वे में बोलिए कि भाई अब तो ठीक है, अच्छा हुआ यार यही मिल गया, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा था, चलो अब बन जाएगा, अब तो बन जाएगा क्योंकि अब मैंने देख लिया। अब जैसे कंसाइनमेंट का क्वेश्चन किसी से नहीं बन रहा था, भाई अब मैंने देख लिया अब तो बन जाएगा, ऐसे ही सेम सवाल आ गया तो मेरे तो बल्ले बल्ले। आपने अपने आप को पॉजिटिव मैसेज किया। जब आप अपने आप को पॉजिटिव मैसेज देते हो, पूरा साइकोलॉजिकल गेम है एग्जाम, आप अपने आप को पॉजिटिव मैसेज देते हो, आप पॉजिटिव वाइब के साथ एग्जाम में जाते हैं, ये चीज़ है। और आपके पास अलग फेस करने का स्टैमिना जो है ना आपका दो गुना होता है एग्जाम को फेस करने का। तो पॉजिटिव रहिए यार, पॉजिटिव रहिए, पहली बात जो हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपको आपको जब एग्जाम में आप जा रहे हैं, आप एग्जाम में आप अपने आप को पॉजिटिव हमेशा रखेंगे, आप अपने आप को नेगेटिव नहीं होने देंगे। इन टर्म्स ऑफ भले ही पहला पेपर बिगड़ जाए, आप अकाउंट से जितनी भी उम्मीद लेके बैठे, आप उसका इम्पैक्ट सेकंड पेपर पे नहीं आने देंगे। मेरा पहला पेपर ख़राब हुआ था अकाउंट्स का, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरी भी उम्मीदें थी अकाउंट्स को लेके कि भाई मैं 80-90 पार कर जाऊँगा जिस हिसाब से मुझे अकाउंट्स बनता था, लेकिन पहले ही पेपर 25 मार्क्स का बिगड़ गया क्योंकि 25 मार्क्स का पेपर ही नहीं दिया मैंने। आपको अभी बताया मैंने सिर्फ 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था, 25 मार्क्स का सीए इंटर की बात कर रहा हूँ, आईपीसी पहले उस वक्त पीसीसी होता था, जो हम अभी आईपीसीसी में दो अकाउंट्स है, उस वक्त एक अकाउंट्स होता था और सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने पड़ते थे। तो आज इतना सारा सिलेबस होता था पढ़ने के लिए और बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रखी थी, सोचा था फाड़ देंगे 90 पार मार देंगे, लेकिन हुआ ये कि 75 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट कर पाया, 25 मार्क्स का अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। तो मैंने अपने आप को ये नहीं बोला यार 25 मार्क्स का पेपर बिगड़ गया, मैंने कभी ये नहीं बोला, मैंने उल्टा ये बोला चलो ठीक है अभी 100 मार्क्स का पेपर बिगड़ा है, 300 मार्क्स तो है ना, 300 मार्क्स तो है ना हमारे हाथ में कुछ अच्छा करने के लिए। पहला पेपर बिगड़ा, मान लो दूसरा पेपर भी बिगड़ गया, तब भी पॉजिटिव ही रहना भाई, 200 तो है, 200 में कमाल कर जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर तीसरा पेपर दिया, तीसरा पेपर अच्छा गया, लेकिन अगर मान लो तीसरा पेपर भी बिगड़ जाता तो मैं हमेशा अपने आप को बोलता भाई 100 मार्क्स अभी भी अपने हाथ में, मेहनत कर लेते, चौथा अगर बिगड़ जाए तो फिर हम बोलेंगे भाई क्या दिक्कत है, 6 महीने बाद फिर मिलेंगे, क्या दिक्कत है। तो हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ये बोलना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, और बिलीव कीजिए मैं करके रखा हूँ और उसी से ही मैं सीए बना हूँ। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत रहती है पॉजिटिविटी की। और हम जैसे मेंटर्स, अगर आपको कभी भी एग्ज़ाम के टाइम कोई भी परेशानी हो, बस इतना याद रखना आपका भाई सिर्फ एक कॉल अवे है, एक कॉल आपको करना है और आपको मुझे कॉल करके भाई जितना भी टाइम हो, जितने भी बचे हो, अनटिल एंड अनलेस मैं सो ही ना जाऊँ, क्योंकि अगर मैं सो जाता हूँ तो बहुत गहरी नींद में रहता हूँ, मेरे को फिर सुनाई नहीं देता है, अगर मैं सोया हुआ हूँ तो फिर नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं ये उम्मीद ये कोशिश करता हूँ कि भाई मैं उस वक्त आपके साथ पूरा निभाऊँ। आप मेरे को कॉल करो रेगुलर टाइमिंग पे, कभी भी आपको अगर कभी भी डीमोटिवेशन लग रहा है कॉल कीजिए, आपको मैं मोटिवेट करके छोड़ूंगा, ये चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, लेकिन आप ये गलती नहीं करेंगे, पहला पेपर ख़राब हुआ तो उसका दूसरा पेपर पर इम्पैक्ट आने देंगे, तो कसम खा रहे हैं ना यहाँ पे आज जो जो मैंने बोला है वो करना ही है। तो दो तीन कसम में तो इम्प्लाइड है कि खा ली आपने, पहली कसम आपने खा ली कि आप गलती ऐसी नहीं करेंगे पेपर के टाइम मार्क्स को लेके, दूसरी कसम आपने खा ली है कि आप क्या पहला पेपर अगर बाई चांस पहला दूसरा तीसरा कोई भी खराब हुआ तो उसका नेक्स्ट पेपर पे इम्पैक्ट आने नहीं देंगे। आगे कोई कोई चीज़ पूछनी है कुछ तो बताओ। तो मैंने आपको पेपर वाले दिन तक की बातें बता दी, पेपर वाले दिन, उसके पहले की स्ट्रेटजी अभी बतानी बाकी है। इसमें आपको और कोई डाउट है तो पूछ लो। बेटा मैं आपको ना मैथ्स की एक सबसे अच्छी तरीका बताऊं। पुनीत मेरे को एक चीज़ बता, पुनीत 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 मुझे बता 100 में से कितना मिनिमम स्कोर कर सकता है तू मैथ्स स्टैट्स और एलआर मिला के? अरे मैं बोलता हूँ 100 मार्क्स का पेपर है, मेरी बात को सुनना, 100 मार्क्स का पेपर है, क्या हम 60 करेक्ट ला सकते हैं? बोल भाई पुनीत मेरे भाई,
ये मैथ्स का पेपर तो मैंने बोला ना कि टफ सेट किया ही गया था, टफ सेट किया ही गया था, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ यार, देख सीए इंस्टीट्यूट भी टफ सेट कर सकता है, कोई भरोसा नहीं है उसका भी, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इन एनी केस यार, इन एनी केस देखो, वैसे तो मेघा मैम हर सब्जेक्ट हर चैप्टर की स्ट्रेटजी शेयर करेगी, कौन सा चैप्टर से कैसा पढ़ना है वो सारी चीज़ें मेघा मैम बताएंगी, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या 100 में से 60 60 तक के हम कोशिश कर सकते हैं करेक्ट करने की? हाँ कर सकते जी हैं, सर, कोशिश कर सकते हैं। सर हाँ यस सर, हाँ सर, नहीं आप कुछ बोल रहे हैं? सर अकाउंट में मान लीजिए थोड़ा बहुत रफ करने के लिए, तो हम पेपर के पीछे सर रफ कर सकते हैं। पेपर के पीछे तो बेटा वर्कशीट आपको जो मिलती है ना उसी में आप ट्राई कीजिए, रब कर लीजिए, वहीं लिख लीजिए। अब आपको ना देखो, टू बी ऑनेस्ट, ना क्वेश्चन पेपर के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ना आपके पेपर के साथ जाता है, तो क्वेश्चन पेपर का दिक्कत है, तो क्वेश्चन पेपर के पीछे जो जगह दी है तो उसको यूज कर लीजिए। ओएमआर में तो डेफिनेटली जगह नहीं होगी, क्वेश्चन पेपर के पीछे जो है वहां यूज कर लो, लेकिन आजू बाजू क्वेश्चन पेपर के आजू बाजू मत करो, मेरा ये कहना है। क्वेश्चन पेपर के पीछे का करते हैं, हाँ तो कभी कभी ऑप्शन से डिजिट मिलाने में गलती हो जाती होगी, एक ही पेपर देते हैं तो उसमें सब कुछ करना पड़ता है, हाँ 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 तो तो हम क्वेश्चन के सामने कर देते तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आप मिटाल देना ना, एग्जामिनर नहीं देख रहा है, कर देना, क्या दिक्कत है, एग्जामिनर सामने आ रहा होगा, मास्क उतारना, छींक देना, खत्म, वो 100 कदम दूर चले जाएगा। ठीक है, तो ये देखो बहुत सारे आइडिया है यार, तुम लेते जाओ बस, आज मैं देने बैठा हूँ, बाबा जी आए प्रवचन देने के लिए, तुम बस लिखते जाओ लेते जाओ। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई 100 में से 60 तुम ले आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई 60 से उसके आगे की कहानी मैं बता सकता हूँ तुम्हें, तुम 60 का बस मेरे से वादा कर लो कि 60 करेक्ट कर लोगे, कर पाओगे पक्का? चलो अब तुम अगर 60 तुमने सही किए, तुम्हें 40 नहीं बन रहे, 40 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हें बन ही नहीं रहे, मैं मानते हुए चल रहा हूँ तुम्हें 40 मार्क्स के क्वेश्चन बनते ही नहीं, बनते ही नहीं, लेकिन 60 जो बन रहा है वो बहुत अच्छे बन रहा है, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? कई स्टूडेंट ये 40 को छोड़ के आएंगे, बोलेंगे नेगेटिव मार्किंग है, मैं आपको बोलूँ आप पूरे के पूरे 40 को अटेम्प्ट करके आइए, आप पूरे के पूरे 40 को अटेम्प्ट करके आइए। अच्छा मेरे को एक और मजेदार चीज पता चली, कई स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें तो पहली बार पता चला है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, कौन है भाई, कहाँ से आए हैं? मैं मतलब वहां पे लिख के भेजने वाला था उस स्टूडेंट को व्हाट्सएप में, तू आया कहाँ से है दोस्त, तू इसी सीए का को स्टूडेंट है, तेरे को ये नहीं पता, पूरा सिलेबस हो गया उसके बाद तेरे को पता चल रहा है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, हती हो गई, फिर भी छोड़ो, जाने दो, जो भी स्टूडेंट था जाने दो, आज उसकी बहुत ज्यादा ही खिंचाई हो गई। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 100 में से 60 मार्क्स आप इन एनी केस स्कोर कर लीजिए, 60 के बाद आप अगर 40 मार्क्स का नहीं भी बनता है ना, तो मैं आपसे बोलूंगा कि वो 40 मार्क्स भी आपको अटेम्प्ट करके आने। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, नेगेटिव हो जाएंगे आप, नहीं जाओगे, जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनो, तुमने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ा है, आओ प्रोबेबिलिटी लगाए, आओ प्रोबेबिलिटी लगाए, तुमने अगर 40 मार्क्स का क्वेश्चन 40 मार्क्स का पेपर है और आपको नहीं बन रहा, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऑप्शन बी या सी में से कोई एक होता है, मैक्सिमम 100 में से मैक्सिमम क्वेश्चन, ये एक्चुअल में ये पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन आप देखना मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मैंने पेपर में ऑब्जर्व किया, पेपर पैटर्न को ऐसे ऑब्जर्व किया है, या मैक्सिमम बी होता है या मैक्सिमम सी होता है, कोई भी बी या सी में से कोई भी टिक करके आना। सर मान सर 40 मार्क्स के पूरे गलत हो गए, हमने सब में बी 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 टिक कराए, गलत हुए तो बताओ कितने मार्क्स कटेंगे, 10 मार्क्स जाएंगे, आप थे किस पे, आप 60 पॉजिटिव में थे, 60 पॉजिटिव में थे और आपके 10 गए, तो आप फिर भी कहाँ पहुंच गए, 50 पे तो पहुंच गए ना, ठीक है, लेकिन ये 40 पूरे के पूरे गलत हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40 पूरे के पूरे गलत हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हार्डली 1% की, हार्डली 1% प्रोबेबिलिटी है कि
40 पूरे के पूरे गलत हो जाए। अच्छा ऐसा भी हो सकता है 40 पूरे के पूरे सही हो जाए। बताओ 40 पूरे के पूरे सही हो जाए, अगर 60 पे थे और 40 पूरे सही हो जाए तो तुम 100 पे पहुंच जाओगे। सल्यूट ठोकेगा सीए इंस्टीट्यूट तुम्हें, 100 में से 100 ले आया भाई। हाँ? तुम्हारा उस दिन सीए इंस्टीट्यूट से विश्वास उठ जाएगा। ऐसा हो जाएगा तो बताओ। अच्छा ये चांस, ये प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये भी 1% की प्रोबेबिलिटी है कि 40 के 40 पूरे सही हो जाए। लेकिन मुझे बताओ क्या ये प्रोबेबिलिटी है कि 20 गलत हो जाए और 20 सही हो जाए, 20 क्वेश्चन गलत हो जाए और 20 क्वेश्चन सही हो जाए? क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, हाई चांसेस आर डे कि इसकी प्रोबेबिलिटी है? और अगर इसकी प्रोबेबिलिटी है तो जरा बताओ, 20 के पॉजिटिव मार्क्स मिले और 20 के नेगेटिव मार्क्स अगर कटेंगे तो भी 5 कटेगा, तो भी 15 पॉजिटिव है। तुम्हारे पास 60 थे, 15 आए, टोटल कितने हो गए? तुमने कुछ नहीं किया और तुम्हें बैठे बैठाए 75 पहुंच गए। सर मान लो 10 हमारे 30 गलत हो गए, 30 क्वेश्चन पूरे के गलत, लेकिन 10 क्वेश्चन सही है। बेटा तब भी देख वो पॉजिटिव पे ही है। कैसे पॉजिटिव पे है? 10 तुम्हें सही के मिलेंगे और 30 तुम्हारे गलत हुए तो कितना कटेगा? 7.5 मार्क्स, तो भी 2-2.5 मार्क्स तेरा अभी भी ज्यादा है, 2.5 मार्क्स अभी भी ज्यादा है। तो मैं आपको, कई स्टूडेंट ने, मैंने चेक पेपर देखा जब, तो मैंने देखा 70 मार्क्स का स्कोर किया, अटेम्प्ट किया है, 80 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया है। मैं आपको बोलूँ आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन शर्त यह है कि आपका 60 मार्क्स का सही होना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा सर कि 60 मार्क्स का सही है कि नहीं? भाई तुम्हें खुद कैलकुलेशन से समझ में आ जाता है कि जब पहली बार में ही आंसर आ रहा है और तुमने सही फॉर्मूलेस और सब कुछ लगाए तो तुम्हारा वो सही है। तो अगर तुम्हें रेंज समझ में आ रही है कि मेरा 60 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली सही है, तो भाई इस चीज को, इस स्ट्रैटेजी को यूज करके तुम अपने मार्क्स को 60 से और बढ़ा सकते हो। बताओ कैसी लगी ये? हाँ नेगेटिव मार्किंग के साथ 34 हो गए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, पहले तो आपको ये श्योरिटी लेनी है। ये श्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक कि ये श्योरिटी ना आए तब तक कि ये गेम नहीं खेलना है। गेम वहीं खेलना है जहाँ आपको ये श्योरिटी है कि 60 मार्क्स का सही होगा। और ये श्योरिटी, हाँ ऑप्शन कैसे बनाते बेटा? देखो बेटा, मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि आपका ये कहना सही है, लेकिन देखो सीए इंस्टीट्यूट को गधे और घोड़ों को अलग करना है ना, असली हीरे और नकली हीरे को अलग करना है ना, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज पे चिपकाता ही है। अब उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो प्रैक्टिस, देखो मैथ्स में ऑप्शन सही है गलत है वो तो प्रैक्टिस से ही होगा और कोई तरीके से नहीं हो सकता। वो तो आपको प्रैक्टिस जितनी करेंगे, और उसमें भी कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो कल मेगा मैम जब आपके साथ इंटरेक्ट करेंगी तब और अच्छे से बताएंगी, ये वाली बात है। हाँ, कल मेगा मैम का सेशन है ना। हाँ हाँ देखो मैं अग्री करता हूँ इस बात पे कि आपका पहले टाइम पे आंसर आ गया, तो उसे देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एक सिंपल चीज करोगे। अच्छा मुझे बताओ आपको क्या लगता है, अगर आप ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन, मैं आपको बोला 100 मार्क्स का है, मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने पेपर में मानिए 100 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आए, सिर्फ 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मानिए 1 मिनट के लिए मानिए कि 80 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं, और ये 80 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 120 मिनट है, 120 मिनट्स है। 80 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 120 मिनट है, आपके पास सफिशेंट टाइम है।
आप क्यों नहीं उस टाइम को, आप ये मानो ना, अरे मैं तो बोलता हूँ 60 60 क्वेश्चन ही, ऐसा मान लो 100 मार्क्स का पेपर नहीं है, सिर्फ 60 मार्क्स का पेपर है, लेकिन वो 60 में से 60 लाने हैं। अब आप ऐसे क्वेश्चन को ढूंढो और 60 में से 60 पहले स्कोर करो। एक बार 60 मार्क्स स्कोर हो गए, लास्ट के 5 मिनट बचे ना, सब में बीबी मार दो या सीसी मार दो, करो। मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, मैं आपको ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ, देखो ये उन्हीं को यूज करना चाहिए जिन्हें ना मैथ्स में बहुत ज्यादा डर लगता है। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, देखो मैथ्स में डर लग रहा है जिसको, और जिसको ये चीज लगता है, सब सभी को ही लगता है मैथ्स में, ऐसा सब नहीं होते बहुत, मतलब मैं ये बोलता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को तो थोड़ा बहुत ये है कि 60 70 आ जाएगा, 50 से 70 की रेंज में आ जाएगा, ये उन्हें श्योर रहता है कि 50 से 70 आ जाए। अगर आपको ये श्योर है ना, अब मत करना ये सारी चीजें, आप ये मत मानना कि 60 मार्क्स का पेपर है, आप ये मानना 100 मार्क्स का पेपर है। लेकिन जिन बच्चे फेल होते हैं ना, 40, भाई देखो सबका हर सब्जेक्ट कप ऑफ टी हो ऐसा जरूरी नहीं है। और देखो एक चीज बता दूं, किसी सब्जेक्ट में हम अच्छे नहीं है इसका मतलब हमारा, हम ओवरऑल अच्छे नहीं है ये नहीं होता ना, होता है कईयों को नहीं समझ में आता वो सब्जेक्ट, नहीं आता तो नहीं आता। अब आइंस्टाइन की बात करो, उसे नहीं समझ में आते थे सब्जेक्ट, उसे सिर्फ फिजिक्स समझ में आता था, तो आज उसका नाम देखिए आप कहाँ तक के पहुंच चुका है। तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि भाई आप उस पे मत फोकस करो, जो आपको, अगर आप 40 मार्क्स वाले स्टूडेंट रहे, आप 45 मार्क्स वाले स्टूडेंट रहे, मैं आपको बोलता हूँ आप सिर्फ इतना सोचना कि भाई पेपर ही 70 मार्क्स का आता है, बाकी 30 पे तो मैं आग बंद करके क्या मारने वाला हूँ, बी या सी मारने वाला हूँ। आप ऐसे वे में चले जाओ, 100 का पूरा देखेंगे हम पेपर, उसमें से बी हम 70 का सॉलिड करेंगे, बाकी सब में ऑप्शन मार देंगे। अरे क्यों, हम क्यों, अच्छा एक बात बताओ, ये चीज ना बहुत, आप बोलते बहुत अच्छे हैं लेकिन ना इंसान को, आप मुझे बताओ, अच्छा एक चीज बताओ, आप कौन बनेगा करोड़पति में बैठे हो, 1 करोड़ का सवाल आ गया, आप जीत गए 1 करोड़, और देवी और सजनों वो बोल रहे हैं कि 7 करोड़ का सवाल, आप बोलोगे नहीं मेरा तो लक्ष्य 1 करोड़ का था, 1 करोड़ का सवाल दे खेल लिया, अब मैं जा रही हूँ, 7 करोड़ तुम अपने रखो, ऐसा होता है क्या? हाँ 7, एटलीस्ट खेल के तो देखेंगे, ये वाली बात होती है, तो वो चीज है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मॉक टेस्ट फाइनल थोड़ी ना है, फाइनल अब आप देखो ना भाई, जितना अच्छा विराट कोहली प्रैक्टिस सेशन में खेल ले, अभी फाइनल मैच जब होता है खेल नहीं पाएगा, खेल नहीं पा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, वो वाली बात हो जाती है कई बार। कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया ना 42 आपका मिनिमम रेंज है, अब आपको 42 के ऊपर ही आएगा। तो वो होता है बेटा, पेपर के पैटर्न, पेपर के क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, ये वाली बात है। हो सकता है वो बहुत इजी हो, हमारा टफ हो, या हो सकता है आपने जहाँ पहले गलती की नहीं थी आपने यहाँ पे वो गलती कर दी, तो वो सारी चीज है। चले और बताइए, और कोई चीज, मैं लास्ट चीज आपके साथ डिस्कस कर लूँ, फिर उसके बाद आप मेरे से और पूछ सकते हैं। लास्ट चीज है ये 6 7 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूँगा, कल का तो मेगा मैम का सेशन आप अटेंड कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स का इम्पोर्टेंट सेशन है, आपको गलतियाँ पता चल जाए। परसों से आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ फोकस ऑन वॉट यू हैव स्टडीड, कोई भी नई चीज़ नहीं उठाएं, कोई भी नई चीज़ को उठा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आप कर चुके हैं आप उसी पे ही क्या करिए, फोकस कीजिए और पूरा रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ हो सके तो आने वाले 10 15 दिनों के लिए, जब तक कि आपका मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, क्या होता है मोबाइल रहता है ना तो हमेशा बचते रहने की आदत है, और अब हम इतना एडेप्टेड हो जाते हैं, आप यूज़ कीजिए, रिस्ट्रिक्ट कीजिए अपने आप को, जितना रिस्ट्रिक्ट करेंगे उतना अच्छा है। आप कहीं से भी अपने आप को प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि आपको इतना समय लगे। अरे भाई मैं तो आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूँ, मुकेश अंबानी ने फोन उठाने के लिए बंदे रख रखे कि खुद फोन उठाता है, बताओ? मुकेश अंबानी ने खुद फोन उठाने के लिए बंदे रख रखे कि वो खुद फोन उठा के बात करता है, भाई बंदों को रख रखा है। तो हमें भी वैसे ही करना है ना,
हमें अपने आप की उतनी वैल्यू क्रिएट करनी है कि भाई हमें फोन नहीं करना है भाई, इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सीए निकल गया 6 महीने, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी चीज बोलूँगा, 15 डेज का सेक्रीफाइस ज्यादा अच्छा है 6 मंथ्स के लॉस से। 15 डेज का सेक्रीफाइस ज्यादा अच्छा है, और ये 15 डेज का सेक्रीफाइस मतलब टोटल सेक्रीफाइस होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में हमने फोन उठा लिया, देख लिया। मैं आपको अपने बारे में मैं बताऊं, देखो उस वक्त नो डाउट डिस्ट्रैक्शंस थे, मोबाइल फोन वॉज अ डिस्ट्रैक्शन। आप ये नहीं बोल सकते कि सर उस वक्त तो फेसबुक टेलीग्राम ये सब नहीं था, तो डिस्ट्रैक्शन क्या थे? डिस्ट्रैक्शन तब भी थे, लेकिन हमने भी 3 3 महीने, 2 2 महीने अपने फोन्स को बंद रखे हैं, तब जाके हमें ये रिजल्ट मिला है कि हम आज सीए बने। तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि 15 डेज यार ज्यादा लंबा समय नहीं है, इनफैक्ट 15 डेज भी नहीं है, क्योंकि अब तो आपके पास टाइम कम बचा है। कल के लिए नो डाउट आपको फोन की जरूरत है, लेकिन उसके बाद आप फोन को स्विच ऑफ कीजिए और रिलैक्स कीजिए। अपने आप को जितना काम कूल रखेंगे, कोई चीज नहीं बन रही उसका मैंने आपको तरीका बता दिया। आप ये हमेशा अपने आप को पॉजिटिव मैसेज देंगे, यहाँ बन जाए, यहाँ नहीं बना अच्छी बात है, अब एग्जाम में आएगा बन जाएगा। और आप अपने जब पेपर को सॉल्व करेंगे अकाउंट्स में, आपको रिविजन्स, अगर आपको रिविजन्स है देखने, मान लो आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, आप रिवीजन वीडियो देखना है, तो मोबाइल में मत देखिए, लैपटॉप ओपन कीजिए या डेस्कटॉप ओपन कीजिए, वहाँ देखिए। क्योंकि मोबाइल में जब आप देखेंगे तो और 100 चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, व्हाट्सएप डिस्टर्ब करेगा, टेलीग्राम डिस्टर्ब करेगा, हर चीज़ होने वाली है जो डिस्टर्ब करेगी। तो आप इंस्टा है ये सब आप बंद कीजिए, और ये आने वाले जो 4 5 दिन है, 5 6 दिन है जो आपके एग्जाम के पहले, प्रॉपर स्लीप लीजिए प्लीज़। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, आपका प्रॉपर स्लीप लेना ज़्यादा अच्छा है, प्रॉपर स्लीप लीजिए। अच्छा, कई लोगों को मालूम है क्या हो जाता है, कई लोगों को आदत होती है बेड पे से बैठे हैं, लेटे हुए हैं, लेकिन नींद ही नहीं आ रही। हाफ एन आवर निकल रहा है, एक एक घंटा निकल रहा है सिर्फ प्लानिंग के लिए, कि अगले दिन ना हम ऐसा प्लान करेंगे, अगले दिन मैं ऐसा करूँगा, अगले दिन मैं ऐसा करूँगी, और ज़बरदस्त हो जाएगा। जब आप बेड पे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मालूम है क्या है, जब आप पढ़ने बैठते हैं तब याद आता है अभी ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, और आप दिमाग फोकस नहीं लगाते जो कर रहे हैं आप। और जब आप बेड पे सोने आते हैं तब आप ये सोचते हैं कि कल क्या करना है। ये चीज़ें ना इन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे से। आप अगर बेड पे हैं तो आप सोइए, आप अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए। कई लोगों की आदत होती है, प्लीज़ जब मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर स्लीप, मतलब प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। आप 7 घंटे अगर नॉर्मली सोते हैं, आप 7 घंटे सोइए, कोई दिक्कत नहीं। 7 घंटे सोना है 7 घंटे सोइए, इवन 1 घंटा और एक्स्ट्रा सोना है सोइए। मैं एग्ज़ाम के टाइम पे नॉर्मली 7 आवर्स कंटिन्यूस लेता था स्लीप। ऐसा नहीं है कि बीच में 3 घंटे उठे, 3 घंटे सोए, फिर उठे, उठ के फिर अपनी तैयारी की, फिर 2 घंटे फिर सो गए, ऐसे नहीं। आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, एट दी एंड सारा गेम माइंड का है, और माइंड फ्रेश नहीं रहा तो आपका पूरा पेपर बर्बाद हो जाना है। तो 7 आवर्स की स्लीप है लीजिए, आप मोबाइल को रेस्ट दीजिए, उसको रेस्ट दोगे ना आपको लगेगा टाइम बहुत है आपके पास करने के लिए। आप उसको आपने हाथ में ले रखे हो ना, तो इसलिए आपको लगता है कि टाइम बहुत कम बचा है। तो आप 7 आवर्स का प्रॉपर स्लीप लीजिए, बीच में लगे तो 1 घंटा और सोइए। अगर आप सोएंगे तो माइंड एक्टिवेट ही होगा, ये चीज है। स्लीप इज नॉट योर एनिमी, मोबाइल इज योर एनिमी, ये चीज क्लियर है। तो स्लीप लीजिए आप, ये आने वाले, आप फ्रूट्स, अच्छा फ्रूट्स खाइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको हैवी ईटिंग्स करना अवॉइड कीजिए। अगर आप नॉर्मली 4 चपाटीज खाते, रोटी खाते, 4 रोटी खाते या 3 रोटी, आप कोशिश कीजिए आधी रोटी कम खाने के लिए, क्योंकि हाफ हाफ पेट जो होना चाहिए वो एम्प्टी होना चाहिए। हाफ का मतलब ये नहीं कि आप खाना ही खाना छोड़ते, नहीं, आप हेल्दी चीज़ें खाइए उसके बदले। आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद, मतलब सैलेड हो गया, उसका इंटेक कीजिए, वेजिटेबल का इंटेक कीजिए, लेकिन आप जो हैवी चीज़ें हैं या डीप फ्राइड आइटम्स हैं इसे अवॉइड कीजिए, और ख़ासकर अभी बाहर जाके खाने का नहीं, कोविड भी चल रहा है, और दूसरा आपकी हेल्थ को लेके अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो आप अपना 6 महीना, और कई बच्चे तो अपना एक एक साल वेस्ट कर चुके होंगे। 6 6 महीना और एक एक साल की वैल्यू आज नहीं, बाद में आपको समझ में आएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। आपको ये लास्ट के, आप ध्यान से सुन लो, आपके पास लास्ट के 6 डेज है। अब आप 6 डेज में से अगर मैं बोलूँ तो आपके पास इफेक्टिवली अगर एक दिन में आप 12 घंटे पढ़ते हो
तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 12 72 आवर्स है। तो 72 आवर्स को हमें इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। सोते टाइम सोना है, खाते टाइम सिर्फ खाना खाना है, फिर दिमाग में कोई और थॉट नहीं आने चाहिए, और बाकी टाइम हमें सिर्फ स्टडीज करनी है। कहीं पे भी डीमोटिवेशन लग रहा है, बीच में कोई भी ऐसा कोई चीज कर लो जो आपको मोटिवेट कर दे, या वो हो सकते हैं कि वो आपके पापा के साथ 5-10 मिनट बातचीत कर लो, अपने भाई से बोल दो कि मोटिवेट कर दे। हम जैसे मेंटर्स, आपके और भी मेंटर्स होंगे, उनको कॉल करके आप बात कर लो, लेकिन लेकिन अपने आप को डीमोटिवेट मत होने देना। अब गेम उसका नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें और ज़्यादा से ज़्यादा, अब जो पढ़ चुके हो ना उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, कोई नया चीज मत कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं बनता, कोई टॉपिक नहीं बनता है, अब आपका ये समय नहीं है कि नया टॉपिक उठाएं, वो जो बनता है उसे अच्छे से करके जाना है। क्लियर है? मेरा एडवाइस तो टोटली नहीं है, टेस्ट मत दीजिए। इनफैक्ट आपको जहाँ क्वेश्चन मिल रहा है ना, उन क्वेश्चन को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्यूशन से चेक कर लीजिए। मैं कैसे करता था, मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने लिखा है कि बैंक पासबुक ऑफ अ अकाउंट ऑफ रानी शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो भाई पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, मतलब ये डेबिट में जाएगा, मैंने शॉर्ट में डेबिट में लिख लिया फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, सॉल्यूशन में आऊँगा और सॉल्यूशन में चेक करूँगा कि क्या वो डेबिट साइड लिखा है कि नहीं लिखा, और अगर वो डेबिट साइड लिखा है तो मैं क्या कर दूँगा, उस सॉल्यूशन में जाऊँगा और वहाँ पे बाजू में टिक कर दूँगा। फॉर एग्जांपल डेबिट साइड ये लिखा है, मैं टिक कर दूँगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करूँगा, क्वेश्चन को रीड करूँगा और सॉल्यूशन में वहाँ पे जहाँ जहाँ वो होते जा रहा है बस मैं टिक करते जाऊँगा, मैं अलग से कोई मेहनत नहीं करूँगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट है, ये देखिए, अब ये क्वेश्चन आया भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 250, ये गलत जगह लिखा है, ये कहाँ जाना चाहिए, क्रेडिट में। तो मैं क्रेडिट यहाँ पे जाऊँगा, टिक कर दूँगा सॉल्यूशन में। फिर कैश क्रेडिट अकाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन, ये क्रेडिट में है, तो ये सही है, तो ये क्रेडिट में होना था, क्रेडिट में ही है, तो मैं क्या कर दूँगा, टिक कर दूँगा। ये चीज़ समझा, मतलब अब मैं ऑडिटिंग करूँगा, मैं लिख के प्रैक्टिस कम करूँगा। हाँ, अगर मेरे को फॉर्मेटिंग में ही दिक्कत है और आपके मार्क्स फॉर्मेटिंग के कारण कटे, तो आपको लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो भी आपको पूरे क्वेश्चंस नहीं, 1 या 2 मैक्सिमम 3 पर चैप्टर, बस उससे ज़्यादा नहीं। अब क्या करें, इसी लेवल से ही मैं आपको इसलिए सीए साहब थोड़ी ना ऐसे ही बोलता हूँ, मैं मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी मानिए अपने आप को कि अभी से ही आप सीए हैं। आप भाई आप मानिए अपने आप को। मैं एक बार वही एक इंटरव्यू देख सुन रहा था शाहरुख खान का। शाहरुख खान एक ऐसा एक्टर रहा है और है अभी भी जो ये बोलता है कि भाई मैं तो सुपरस्टार हूँ। तो एक बार किसी इंटरव्यूअर ने, न्यूज़पेपर वाले ने पूछ लिया कि भाई आप अपने आप को बार बार सुपरस्टार क्यों बोलते रहते हो, भाई कोई आपकी तारीफ करे ना करे, आप खुद अपनी सुपरस्टार की इमेज लेके कैरी ऑन रहते हो और आप अपने आप को मानते हुए चलते हो आप सुपरस्टार हो। तो शाहरुख खान का सिर्फ एक ही जवाब था और ये जवाब आपको सुनना चाहिए। शाहरुख खान का जवाब था कि भाई जब तक के मैं नहीं मानूंगा कि सुपरस्टार हूँ मैं, तब तक के दूसरे नहीं मानेंगे कि वो सुपरस्टार हूँ। तो पहले तो मुझे अपने आप को रियलाइज कराना पड़ेगा ना। आप क्या करते हो, आप उल्टा करते हो, आप बोलते हो कि जो भी गलत होगा वो मेरे साथ होगा। आप सोचते हो यार 40 आ जाए पास, बस इतना चाहिए। नहीं, हम सोचे ना यार क्यों नहीं, 40 की जगह 80 क्यों नहीं, और मेहनत करेंगे तो 80 भी आ जाएगा। और अपने आप को सुपरस्टार मानिए भाई, सीए मानिए भाई, सीए हूँ मैं। अब सीए के एंगल से चीज़ों को देखना है, सीए के एंगल से चीज़ों को पढ़ना है। मैं कई बार मैं आपको जब रिविजन भी करा रहा था तभी भी मैंने आपको बोला कि आप इस वे में चैप्टर को मत पढ़िए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कईयों को प्रॉब्लम जाती है उस चैप्टर से। तो मैंने आपको उस वर्ड भी समझाया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस एंगल से मत पढ़ो कि यार ये चैप्टर है इसलिए पढ़ना। मैंने आपको बताया था, इमेजिन कीजिए आप अपने कैबिन में बैठे, सीए की चेयर है, आ हा, कैबिन में एसी कैबिन है, सेक्रेटरी बाजू में, आ हा, और मस्त कैबिन है, सेक्रेटरी नहीं, मस्त कैबिन है, और सामने से क्लाइंट आ रहा है, और क्लाइंट हमारा क्या है, बालाजी ट्रस्ट है, या ऐसे कोई ट्रस्ट आ रखे हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट आ रखे हैं, और वो हमसे बोल रहे हैं कि ऑडिट करना है, हमसे बोल रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है।
तो एज अ चार्टेड अकाउंटेंट हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई फाउंडेशन में ये चैप्टर मैं छोड़ के गया था, इसलिए अभी तक के नहीं बनता, नहीं कर पाऊंगा मैं तुम्हारा ऑडिट, ऐसे बोलेंगे। हाँ आप ऐसे नहीं बोल सकते ना, आपसे आपसे एक उम्मीद लेके चल रही है दुनिया कि आपके नाम के आगे सीए मतलब आपको बहुत कुछ बनता है, और बनता है और आप कर सकते हैं, बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दिला लेंगे कि हो जाएगा ना, बाकी सब हो जाएगा, आप अपने अंदर से इतना कॉन्फिडेंस रखिए। सर एक बार क्या होता है, जैसे मई वाले बच्चे भी हैं, लास्ट नवंबर वाले बच्चे भी हैं, और जैसे मैं फ्रेशर हूँ नवंबर 20 के, तो हाँ जब वो क्वेश्चंस कोई लेके आते हैं नए नए, तो इतने टफ टफ क्वेश्चंस वो कर रहे होते हैं, तो ये लगता है कि मैंने तो मॉड्यूल क्या किया है, या मैंने तो मतलब सिंपल क्या होता है कि सीए लेवल है, इतना आप टफ तो हो ही गई। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो चमकाने वाली बातें हैं, चमकाने वाली बातें हैं, टू बी ऑनेस्ट इनफ, चमकाना हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि शो ऑफ करने वाली बातें हैं, कि भाई स्टूडेंट क्या करता है, अपने आप को कई बार सुपीरियर दिखाने की के कारण वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करता है जो उस लेवल के आए ही नहीं, ये वाली बात है। अब ऐसे में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आज एनपीओ आप जो पढ़ रहे हैं या कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, लेकिन आपके काम के नहीं है भाई। एट द एंड काम के आने चाहिए ना। आप स्कैनर उठाओ, सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छी चीज स्कैनर उठाओ, स्कैनर में पास एग्जाम के क्वेश्चंस एक बार देखो, अगर आपको पास एग्जाम के क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। फिर वो 10 जगहों से क्वेश्चंस ले आए, आपको मैटर नहीं करना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, वो चाहते ही हैं कि आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओ, तुम समझे बात को। वो जानबूझ के बहुत सारी टफ टफ चीजें लेके आएंगे आपके सीनियर्स, कि आप वो चाहते ही हैं बेटा तू इसमें इन्वॉल्व रहे, मैं तो पतली गली से निकल लूंगा, मैं तो सीए फाउंडेशन क्लियर कर लूँ, और तू जूझता रहे ऐसे क्वेश्चंस में जो आने ही नहीं है एग्जाम में। आपको अगर अपनी अपने आप को टेस्ट करना है ना, सिर्फ एक तरीका है, पास एग्जाम के पेपर उठाओ, पास एग्जाम के क्वेश्चंस उठाओ, वो आपको बन रहे हैं कि नहीं। अगर वो आपको बन रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं बन रहा है तो तैयारी अच्छी नहीं है, सिंपल सा क्राइटेरिया है। तो फिर क्यों टेंशन लेना, फिर किसके लिए टेंशन लेना। बेटा आने आते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आते बेटा। पास एग्जामिनेशन का मतलब देखो, पास एग्जामिनेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ कि आपको बन रहा है, मतलब आपको क्वेश्चन देखने के बाद लगना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन अगर मैं करने बैठूँ तो ये बन रहा है, ये चीज़ है। और पास एग्जाम के, अभी तो मैं मैथ्स और इसकी बात कर रहा था, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो वो तो पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। अब आपको कंसेप्ट में अगर कोई डाउट है तो फिर तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उस पर, तो शायद ना बन पाए, ये वाली बात है, और शायद बन जाए। तो मेन को प्रॉब्लम कहाँ जाती है, मेन प्रॉब्लम जाती है मैथ्स से ऐसे सब्जेक्ट में, क्योंकि बच्चों को वो ही कोई एक हाई लेवल का क्वेश्चन आपको वहीं मिलेगा। अकाउंट्स में ना आपको अगर टफ क्वेश्चन भी आया ना अकाउंट्स में, तो ये मानते हुए चलना आपको 60% तो बन ही जाएगा, क्योंकि बेसिक तो वही रहना है। पार्टनर्स कैपिटल का क्वेश्चन आया तो पार्टनर्स के कैपिटल को तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालोगे, रिजर्व्स को तुम पार्टनर्स में बांटोगे, तुम रिवैल्यूएशन में ऊपर नीचे प्रॉफिट एसेट की और लाइबिलिटीज की पोजीशन चेंज हुई है तो तुम रिवैल्यू तो करोगे, तो कुछ तो बेसिक रहने ही है ना, उसके तो मार्क्स मिलने ही है। बाकी जो टफ पार्ट है छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप एटलीस्ट ये मानते हुए चलो कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसका टेंशन नहीं लेना, आपको आगे बढ़ते चलना। और किसी को कोई पॉइंट में पूछना हो, हाँ पूछे। हम 2 दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और बाकी सब्जेक्ट में 1.5 डे होएगा, तो तब क्या पढ़े, मॉड्यूल से पढ़े, एमटीपी आरटी के स्कैनर देखो पढ़े? देखो बहुत सिंपल सा, सबसे बेस्ट होगा स्कैनर, सबसे बेस्ट। अब स्कैनर से सॉल्व कीजिए, आपने उससे पहले मैं आपको बोलूँगा जो आपने नोट्स बना रखे होंगे, आपने कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम, जैसे मान लीजिए आपने मेरे से क्लास ली, तो मैं क्या कराता हूँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ कॉन्सेप्ट रजिस्टर अलग बनाओ और प्रैक्टिस रजिस्टर अलग बनाओ। लेकिन भाई फिर भी कई बच्चे क्या करते हैं, एक साथ दोनों को बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कंसेप्ट कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए। वैसे ही मैथ्स में आप फॉर्मुलेस को पहले रिवाइज कर लीजिए, एक बार पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करने के बाद आप क्या कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो वो
हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करेगा कि वो कैसे प्लान करता है, क्योंकि स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट को डील करने की स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर सब्जेक्ट का उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग रहता है। अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूंगा कि भाई तेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा, तो वो कई स्टूडेंट बोलेंगे मैथ्स है, हो सकता है, और कई स्टूडेंट बोलेंगे अकाउंट्स है। जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं वो बोलते हैं हमें अकाउंट्स कम बनता है, मैथ्स अच्छा बनता है। जो कॉमर्स वाले हैं वो बोलते हैं मैथ्स नहीं बनता, अकाउंट्स अच्छा बनता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल का अंतर है और कोई चीज़ का अंतर नहीं है। तो आप उन सब्जेक्ट्स उन चैप्टर से चालू कीजिए, रादर जो चैप्टर आपको बनते हैं, जो आपको लगता है कि जल्दी हो जाएंगे, उन चैप्टर्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद टफ चैप्टर्स में जाइए। हमेशा ध्यान रखिए टफ से कभी भी पहले स्टार्ट नहीं करना, नहीं तो होता गया है जो बनते हुए चैप्टर्स है ना वो भी फिर बाद में नहीं बनते। तो हमेशा ईजी से स्टार्ट करो, ख़त्म करो, रिवाइज करो, अलग करो, ये चीज़ है। बेटा वो तो एकदम सीधा सीधा है ना, आप रीजन दीजिए, ट्रू बोल रहे हैं तो आप सीधा ट्रू लेके रीजन दीजिए। हाँ, डायरेक्ट आंसर कहीं पे भी आप क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, तो क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे आप। ये कुछ जगह हमने ना इंटेंशनली काटे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे तो बाद में याद रहेगा भाई यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है अपन को। जैसे मैंने नहीं, 12th बोर्ड में मैम ने भी जो बताया है मेरे को तो नहीं लगता वो सही बताया है। फिर भी आप छोड़ो, जाने दो, 12th अब आपका हो गया है, अब CA फाउंडेशन पे फोकस कीजिए। आपको कहीं से भी वापस से क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है, आपको सीधा है ट्रू फॉल्स और उसका रीज़न लिखिए, टू दी पॉइंट आंसर्स लिखिए। और किसी को किस चीज़ से रिलेटेड? हाँ, मार्जिन्स, हाँ लेफ्ट साइड रहता है, रहता है, आपको अलग से बनाना। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कौन बोला ये चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ आप जैसे नॉर्मली पेपर करते आए हैं आप वैसे ही पेपर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ जी, और बेटा जहाँ तक के उतनी वर्किंग्स दिखाइए आप, मतलब एकदम ही छोटी वर्किंग, एकदम ही छोटी नहीं, लेकिन जैसे आप, अब आपके लिए छोटी कौन सी है? अब कई लोगों ने जैसे शेयर कैपिटल में अमाउंट्स नहीं लिखे, दिखाना पड़ेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाली वर्किंग, आपको दिखाना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अगर क्लोजिंग बैलेंस आया है कैसे आया वो दिखाना पड़ेगा आपको, ये सारी वर्किंग्स दिखाना है। क्या चीज का? हाँ बेटा, चार जैसे आप, अब कोई क्वेश्चन इंटरेस्ट को लेके ही है इनफैक्ट, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एग्जेम्पशन मिल जाता है, वहाँ पे आप इतना नहीं ध्यान देते, लेकिन बाकी जो जहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, वहाँ पे आपको वर्किंग दिखानी पड़ेगी ना, वहाँ पे आपको पूरी वर्किंग्स दिखानी पड़ेगी, ऐसा है। तो मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर प्रॉपर मैनेज भी नहीं है ना, तो आपने जहाँ से भी स्टार्ट किया है, देखो कोई भी आपने क्लासेस जहाँ से भी लिए है उनने कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो लिखवाया होगा स्टार्टिंग के पेजेस में, स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट्स कुछ लिखवाए होंगे, कुछ समझाए होंगे, या बुक से आपने किया होगा। तो जैसा भी आपने किया है पहले उससे रिवाइज करना, वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे मत जाना, पहले एक चैप्टर का पूरा रिवाइज करने के बाद उस चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, फिर दूसरा चैप्टर उठाना, पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने के बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाना, मेरा ये कहना है। अब आप क्योंकि अब लास्ट डे, अब आप नई मेहनत नहीं कर सकते और आपको करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो आप टाइम वेस्ट करेंगे अपना।
और कोई डाउट किसी को कुछ? एक दिन पहले हाँ मैराथन देखना सही रहेगा क्या? बेटा, एग्जाम के एक दिन पहले मैराथन देखना सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपका अकाउंट्स बहुत अच्छे से बन रहा है और आप टेंशन नहीं लेना चाहते। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कुछ, कि भाई मेरा कल पेपर है, CA इंटर का अकाउंट्स का पेपर है, और मैं एक दिन पहले मूवी देख रहा था, मेरा पहला पहला प्यार है MP3। अब ऐसी मूवी आई हुई थी, मैं देख रहा था, मेरे घर वाले पूछ रहे हैं पेपर नहीं है क्या कल? मैं बोल रहा था पेपर है, लेकिन मेरी तैयारी हो रखी है। अब मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए पेपर मूवी देख रहा था। कई लोग होते हैं जिनको रिलैक्स आउट करना है, किसी को सॉन्ग सुनने की आदत है, मुझे पिक्चर्स देखने की आदत है, मूवीज देखने की आदत है, तो मैं अपने आप को उससे क्या करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ। ये चीज़ है, तो ये तो डिपेंड करता है आप अपने आप को रिलैक्स कैसे करना है। तो अब आपको अगर लगता है कि भाई मेरा तो पूरा तैयार हो चुका है, एक बार मैंने पूरा पढ़ के तैयार कर चुका है, तो लास्ट डे आपको मैराथन देखना है तो आप देख सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैराथन वो चीज़ करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैराथन आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ है, मेरा वो एडवाइस ये है कि अगर अभी आपके पूरे चैप्टर्स हो गए, एक दिन पहले मैराथन देख के ख़त्म कर दो, फिर बाद में आप फिर से, मतलब फिर आप अपने बुक्स के हिसाब से रहो। ये चीज़ है। अगर लेकिन आपको लगता है यार नहीं, एक बार मैराथन देखना चाहिए, देख लीजिए, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कई बच्चों को कि बोली हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है, कि भाई एक दिन एग्जाम के पहले भाई मैराथन हमने जिस टीचर से पढ़ रखा है उसका मैराथन देख लें, तो होता क्या है कि टीचर की बोली हुई छोटी छोटी बात मैराथन में भी वो क्या हो रहती है, दिमाग में रहती है। तो आप देख सकते हो, मैथ्स में आप कर सकते हो, टू बी ऑनेस्ट इनफ मैथ्स में आप कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स में कई बार हम अपने आप को, हम अपना रिविजन प्रॉपर नहीं कर पाते, लेकिन जैसे कोई फैकल्टी है, जैसे मैं मेघा मैम की बात करूँ, तो मेघा मैम ने बहुत सारी माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें भी बताई हैं, तो आप उसको उससे कर सकते हैं। ये चीज़ है। या आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप डबल एक्स की स्पीड में देखिए, आगे बढ़ाइए, फास्ट फॉरवर्ड कीजिए। जैसे मैराथन देखते देखते जैसे पर्टिकुलर एक चैप्टर का मतलब पूरा मैराथन है तो उसमें एक चैप्टर का देखा, फिर उसकी प्रैक्टिस की, फिर दूसरा चैप्टर देखा, फिर उसकी प्रैक्टिस की, तो उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो वो सही रहता है कि पूरा एक साथ देखने के बाद प्रैक्टिस करनी? मेरा एडवाइस ये है कि अगर आपने अभी तक के रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, तो रिवीजन मेरा मेरा एडवाइस मानिएगा, आप पहले एक बार टीचर का एक उस चैप्टर के ऊपर मैराथन देख लीजिए। क्या होता है, अगर कोई चीज़ हम बहुत टाइम से टच पे नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं अकाउंट्स में आपने पार्टनरशिप नहीं पढ़ा है या याद नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आप पार्टनरशिप का मैराथन देख लीजिए। देखने के बाद आप टच करेंगे ना, तो आपको ये या और जल्दी स्पीड में रिवीजन होता है। आपको लगता जरूर है कि भाई टाइम लग रहा है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, बहुत आराम से हो जाता है। आप अगर एक टीचर का एक पूरा अगर आप मैराथन आप सोच रहे हैं कि एक साथ मैं बैठ के देख लूँगा, आपका भेजा फ्राई हो जाएगा उस टाइम। ऐसा हो करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैराथन जनरली 10-10, 11-11, 12-12 घंटे के होते हैं। उस वक्त आप 6 घंटे के बाद तो हालत टाइट हो जाएगी, आप पढ़ने के लायक नहीं बचेंगे। तो मेरा एडवाइस है कि आप ब्रेक्स लेते हुए करिए। क्या होता है, जब मैराथन हम लोग शूट करते हैं, या मैराथन जब हम आपका पूरा एक बार हो गया पढ़ के और सिर्फ मैराथन करना है, तो वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। लेकिन एग्जाम के वो जो 1.5 दिन है, उस 1.5 दिन में ये स्टेप उठाना कि मैराथन एक साथ हम करें, वो गलत स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि क्या होता है, आंखें पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है, वो वाली बात है। और किसी को कोई चीज पूछनी हो? मैंने आपका मैराथन मैंने अटेंड किया, हाँ आपको याद रह गया, वो सबसे अच्छा लगा अभी तक मुझे, बिकॉज़ उसमें आपने कॉन्सेप्ट्स के बाद क्वेश्चंस की प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई हुई है, मैंने मैरे वो अगर देखे तो वो फायदा रहेगा। डेफिनेटली थैंक यू सो मच हीना। मैंने मैराथन उसी ऑब्जेक्टिव से बनाया है। एक्चुअल में क्या होता है कि मैराथन में क्या होता है कि मैंने जब मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं जब अपना मैराथन प्रिपेयर कर रहा था या बच्चों के साथ करने वाला था, तब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैराथन जो जनरली यूट्यूब पे डले हुए हैं ना, उसमें क्या किए हैं, सिर्फ एक कंसेप्ट बताया, आगे सिर्फ कंसेप्ट बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, और आगे बढ़ते जा रहे हैं।
बच्चे को उसमें बहुत दिक्कत जाएगी, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट कंसेप्ट तो वो कॉपी से रिवाइज कर सकता है। तो मैंने कोशिश ये की है हर कंसेप्ट के बाद एक क्वेश्चन कराया, ताकि आप उस कंसेप्ट से कोरिलेट कर पाओ उस क्वेश्चन को, और फिर आप आगे बढ़ते जाओ। तो उससे क्या होता है, चीज़ें और आसानी से समझ में आती है, और आपको ब्रेक भी मिलता है, दो कंसेप्ट के बीच का ब्रेक मिलता है कि भाई हाँ क्वेश्चन हो गया ना, तो वो कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मैंने ध्यान रखते हुए ही मैराथन बनाया है, ये चीज़ है। और कोई चीज़ पे डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। सिर्फ मैच नहीं होती तो क्या करें? कुछ नहीं, आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। आप 2 मिनट चेक करो कि आपने कहीं अर्थमेटिकल एरर तो नहीं कर रखी है। अगर अर्थमेटिकल एरर कर रखी है, कैलकुलेटर में आपने चेक कर लिया, अगर सब कुछ टैली हो रहा है, तो आप उसे छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, आप उसे छोड़ो, आगे बढ़ो। वापस आना, जब वापस आओगे ना, तो तुम्हें गलती समझ में आ जाएगी, यार ये गलती हो रखी है, फिर आप तुरंत ठीक कर लोगे। और आप अगर पकड़ के बैठ गए ना कि बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, अब तो मैं टैली करा के छोड़ूंगी, फिर तो पेपर तुम्हारा छूटना पक्का है, ये चीज है। हाँ, तो अब नहीं करना है, अब नहीं करना। पेपर 1 जो, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, वो मैंडेटरी आपको करना ही चाहिए, लास्ट के 1 मिनट बचेगा उसमें करना ही चाहिए। देखो आपको वैसे भी ना, आपको पेपर जब दिया जाएगा तो आपको नाम, अपना रोल नंबर और वो सब तो लिखना ही है। आपको नीचे ना फर्स्ट पेपर के नीचे बॉक्सेस दिए रहते हैं, पेपर जब आपको मिलता है ना सब्जेक्टिव, वहाँ पे बॉक्सेस दिए रहते हैं कि आपने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 में से कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो आपको क्या करना चाहिए, उसमें टिक कर देना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। तो टिक करने से क्या होता है, एग्जामिनर को पता रहता है, एग्जाम पेपर चेक करते टाइम, भाई इसने तो 5 क्वेश्चन किए हैं और मैंने तो अभी तक के 3 ही चेक किए हैं। तो वो फिर पन्ने फिर से पलटाता है और देखता है कि कहीं कोई क्वेश्चन टिक रह तो नहीं गया। तो टिक करना हमारे लिए सेफ्टी वाला मेजर है। बाय चांस टिक नहीं भी कर पाए तो चिंता ना करें, कोई मार्क्स नहीं कटेगा ना मिलेगा, बस सेफ्टी मेजर है वो अपने लिए और कुछ नहीं। सर अकाउंट्स में आप जो अभी मास्टर के रिटर्न बताए थे, एक बार फिर से बताइए ना, मैं लेट का निकले का सेशन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस वे का, कौन से टाइम वाला? मैंने आपको टाइम वाली चीज बताई थी, मैंने आपको बोला कि आपके पास टोटल 180 मिनट्स होते हैं, 180 मिनट्स में से 30 मिनट्स का बफर टाइम रखिए, 30 मिनट्स का बफर टाइम रखिए। बफर टाइम मतलब क्या होता है कि भाई इतना टाइम हम सेफ्टी मेजर के लिए रख रहे हैं, कभी भी कहीं ज़्यादा टाइम लग रहा है तो यहाँ से यूज़ कर लेंगे। तो आपके पास बचते हैं 150 मिनट्स, और 150 मिनट्स में 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना है, मतलब हमारे पास हर एक मार्क्स के लिए 1.5 मिनट है, हर एक मार्क्स के लिए 1.5 मिनट है। तो अगर 4 मार्क्स का सवाल है तो हमें 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, अगर 2 मार्क्स का सवाल है जो कि ट्रू एंड फॉल्स में आता है उसमें हमें 3 मिनट, 2 मार्क्स का सवाल है 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, 6 मार्क्स का सवाल है 9 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, ऐसा है। तो हमें ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वैसा मतलब टाइम मैनेज करना ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको मान लीजिए 10 मार्क्स का सवाल है तो आपका मैक्सिमम 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगने के बाद पन्ना मान लो आपका आप ऑलमोस्ट 90% कर चुके हैं, तो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए और 2-3 मिनट में उसे ख़त्म कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बफर कितना मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, 30 मिनट्स का टाइम आप बफर में मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लेके ख़त्म कीजिए। लेकिन अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही और आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आधी घंटा वेस्ट कर रहे हैं, तो अब आप सोच लीजिए 10 मार्क्स के क्वेश्चन में जहाँ 15 मिनट आपको लगाना चाहिए आपने 30 मिनट लगा दिए, तो बाकी वाले पेपर के क्वेश्चन जाने वाले हैं आपके हाथ से, वो आंसर्स आप पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। चलिए और कोई चीज। चलो बहुत अच्छा लगा हिना, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हाँ पुनीत, क्या बोल रहे हैं आप? आज मोटिवेटेड फील हो
रहा है, आज अच्छा लग रहा है, आज मतलब अच्छा पूरा लग। मोटिवेट हो गए थे हम लोग। अरे वाह, चलो अच्छा है ना। बस ये मोटिवेटेड रहना है यार, बस यही चीज करनी है अपन को, सीए पास करने के लिए। फर्स्ट दिन आएंगे ना सर आप, हाँ, अगस्त 7 तारीख। अरे डेफिनेटली, आप बोलेंगे अपन लाइव एक बार सेशन कर लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अवॉइड करिए ये। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ अवॉइड करने के लिए, टीचर एज अ टीचर आप मेरे को प्रेस कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरे को बोल रहे हैं कि सर आप सामने आइए, तो होता क्या है कि मोटिवेशन मिलता है। मैं बोलूँगा डेफिनेटली हम मिलेंगे, लेकिन मैं क्यों अवॉइड करने बोल रहा हूँ ये सारी चीज़, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बोला आपको अभी सिर्फ 15 दिन के लिए अपने फ़ोन को बंद करना है। आप अगर 15 डेज अपने फ़ोन को बंद कर लेंगे, सेक्रीफाइस 15 डेज का कर लेना, आपको 6 मंथ्स बच सकता है। ये चीज़ है, तो आप मेरे से आज ही, ब्लेसिंग तो हमेशा ही है आपके ऊपर, भगवान की, देखो भगवान की दया से और माँ बाप की दया से बहुत ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। पेरेंट्स, टीचर्स, सब हमारे आपके लिए ब्लेसिंग करते हैं। हर दिन मैं उठते ही साथ ये फील करता हूँ कि भाई जो भी स्टूडेंट चाहे मेरे टच में हो ना हो, लेकिन सबको पास कर देना भगवान, मेरी ये हमेशा दुआएं रहती है। ये चीज़ है, तो मैं आपसे बोलूँगा यार कि आप चिंता मत कीजिए, ब्लेसिंग की कोई कमी नहीं। मैं यहाँ बैठ के भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपके साथ। आप बस मेहनत कीजिए, अपने पेरेंट्स से बढ़कर और कोई नहीं है, और आज जो भी है आज उनके कारण है। और हम कहीं ना कहीं कभी भी उनसे कभी भी, मतलब हम बाल भी नहीं, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि भाई हमारे बाल से लेकर पैर के नाखून तक जो भी मिला है वो सब उनके कारण मिला है। तो हम बस उनके लिए कुछ कर जाएं, हम उनके नाम को इस सोसाइटी में हम कुछ अच्छा करने के लिए कर जाएं कि वो हमारे नाम से पहचाने जाएं। और हम कर सकते हैं, ऐसा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि नहीं कर सकता है, बस वो सोचे। आप सोचेंगे ना आप कर लेंगे, मेरे को ये पता है। सब इतने अच्छे बच्चे हो, मैं आपको बोला ना यू आर वॉरियर्स। आप कोविड के टाइम इतनी अच्छी चीज सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को एग्जाम देना है, आप अपने करियर के लिए फोकस हैं, आप 6 मंथ्स अपना खराब नहीं करना चाहते हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट कीजिए, छोटी छोटी बातों के लिए ही, लेकिन अप्रिशिएट करना सीखिए। जब आप अपने आप को करिए अप्रिशिएट, कभी मन में वो मत लाइएगा कि ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होइएगा। अप्रिशिएट कीजिए, दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छा हो जाएगा, हर चीज अच्छी लगेगी आपको। ये चीज है। अरे थैंक यू सो मच प्रदीप, थैंक यू सो मच। हम मैं अभी नहीं, प्रदीप मैं तो बोलता हूँ कि सब अच्छे हैं, मैं सब अच्छे हैं बेटा। जब दुनिया, हम बोलते हैं जब सब अच्छे हैं ना तो दुनिया अपने आप अच्छी लगेगी दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। और स्ट्रगल लाइफ की पार्ट एंड पार्सल है, हम करेंगे मेहनत, करेंगे यार ऐश करेंगे, हम अपनी कमाई पे ऐश करेंगे, बाप कमाई पे ऐश नहीं करेंगे। ठीक है प्रदीप, चले और बताइए। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप अपने आप को देखो कितना अच्छा लिखे हो आपने, आपने फ्यूचर सीए लिखा है, इतना अच्छा लगा मुझे ये देख के कि आप डेडिकेटेड है। मतलब वो होता है ना कि जब वो बोला जाए, आपने कहानी सुनी है कि नहीं, कि भाई जब पूछा गया अर्जुन के भाइयों से, पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है पेड़ पे, क्या दिख रहा है, तो किसी को खाने की चीजें दिख रही है, किसी को पेड़ दिख रहा है, लेकिन एक अर्जुन ही था जिसको क्या दिख रही थी, चिड़िया की आंख दिख रही थी, बस वो वाली बात है। तो आपको भी वही चीज, अपना इन्वायरमेंट वैसा रखना है, आपको भी सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है कि भाई सीए करना है, हर जगह लिख देना है कि भाई सीए बनना ही है। ये चीज है, तो आप बन जाएंगे। ठीक है, चलो आपके साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। हाँ नैन्सी, कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग होता है। अरे वाह, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नैन्सी आपकी आवाज चली गई। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, थैंक यू सो मच नैन्सी, थैंक, क्या बात है हीना, क्या बात है। बस लगे रहो, लगे रहो लगे रहो, बस यही देखना है, यही इसी के लिए जीना है, वो वाली बात है, मेहनत करते रहना है। ठीक है चलो इंजॉय, अब आप टेंशन नहीं लेना, हाफ एन आवर टू 1 आवर के रेस्ट लेना, कोई
कुछ खा पी लो, चले जाओ यहीं वहीं घूम लो, अगर घर पे आसपास बालकनी है या छत है घूम लो एक बार, फिर वापस आना, फिर पढ़ना। तो अभी हाफ एन आवर, 1 घंटा कुछ नहीं करना, सिर्फ इंजॉय करना, ठीक है? चलो, अच्छा, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों थैंक यू को सो मच सर। देख के, क्योंकि अभी तक के लाइव में बहुत कम, लाइव में बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हैं यूट्यूब लाइव में, लेकिन उनको पर्सनली नहीं देखा था। आज देख के, आपके साथ इंटरेक्ट करके दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। चलिए, दिल की जो भी बातें हैं, मैं आपको एक चीज बोल रखा हूँ, आपका बड़ा भाई एक कॉल अवे है आपसे, तो बकायदा आप कब कॉल कर सकते हैं। आपको कभी भी डिमोटिवेशन लगे आप बकायदा कॉल कीजिएगा, ठीक है? हाँ सनी, बोलिए। रिलेटिव में सर हमारे पीछे जहाँ से हम सीए के मतलब कोर्स किए हैं, हाँ इतना मोटिव मतलब आज तक नहीं दिए है ना, इतना बेहतरीन से क्लास आपका रेगुलर सर मतलब वो यूट्यूब पे क्लास करके आपका मोटिव वीडियो देखकर बहुत फील महसूस हो रहा है। अरे वाह, अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ फुल कोशिश करेंगे, बस एग्जाम निकल जाए, बस एंसर आपके पास करें। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो एग्जाम मच में सर। अपन को रॉक करना है, ठीक है? यस चलो यस चलो, सर। थैंक यू सो मच डियर, टाटा, बाय 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 सर। बाय 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 सर। बाय सर। बाय 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 बाय।